अच्छा मैंने नोट्स भेजा था, मिल गया था ना? नहीं नोट्स मैंने सेंड कर दिया था, मिल गया था क्या तुम्हें नबील? सर, तो ग्रुप पे आए थे आई डोंट नो, मैंने उन्हें भेज दिया था इसका सर, सर ग्रुप को। पे तो शायद वो आए थे, प्रैक्टिस पेपर आए थे शायद। मैंने यही वाला नोट्स भेजा था, मैंने शायद दिखाया था और बोला था मैं भेज दूंगा। चलो उनसे मैं बात कर लूंगा, वो भेज देंगे तुम्हें। ठीक है सर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ना रेंज वगैरह पे आ गए थे, राइट? रेंज हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ मेथड होता। ये वाला फर्स्ट मेथड देखा था इसमें, हाँ फर्स्ट मेथड ये देखा था कि अगर हमारे पास डोमेन में जो है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर मान लिया जाए डोमेन में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उन फाइनाइट नंबर के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वाई के निकाल लेंगे और हमारा काम हो जाएगा आराम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले पर डोमेन में निकालूं 7-x p x-3, तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एन पी आर एन सी आर इन सभी का जो डोमेन निकालते हैं तो क्या होता, अपर वाला जो इंडेक्स होता वो होता नेचुरल नंबर, लोअर जो होता वो होल नंबर, और एन जो होता वो आर से बड़ा या बराबर होता है। ये इतने कंडीशन के साथ आता, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 7-x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिससे x का वैल्यू 7 से छोटा हो, और x-3 ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट होता 1 से। x-3 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0, यहाँ से x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा आया। इन दोनों के अलावा एक और कंडीशन है कि अपर इंडेक्स क्या होना चाहिए, लोअर इंडेक्स से बड़ा या बराबर हो, तो 7-x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल x-3। यहाँ से मिला x का वैल्यू लेस इक्वल 5, और ये दोनों का कंडीशन भी मैंने लगा दिया, तो डोमेन जो बन के आया हमारा 3-4-5, बस इतना ही आया 3-4-5, तीन एलिमेंट आए, ओनली थ्री एलिमेंट्स। जब दो एलिमेंट चार एलिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे तो क्या करना है, इन सारे एक्स के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये था हमारा मेथड रेंज निकालने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे केस में बोलूं कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, या फिर कुछ इंटरवल हो जाए, इंटरवल भी इनफाइनाइट नंबर ही होंगे, 3 से लेके 4 तक, या फिर 5 से लेके 7 तक, तो इसके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट हुए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है कि fx जो दिया हुआ है y के फॉर्म में, वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो y इन टर्म्स ऑफ x है ना, हम लोगों को उल्टा करना है x इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद हमें कुछ भी डेफिनेशन का उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हमारे पास ax² + bx + c के फॉर्मेट में अगर बना, तो इसके लिए रियल के लिए कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, फॉर एक्स टू बी रियल, है ना। तो अगर मान लिया जाए, मैं एग्जांपल लूं कि x² + 4x + 29 का स्क्वायर रूट है, एक फंक्शन हमारे पास x² + 4x + 29 और इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ। इस तरह के फंक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 4x + 4+25, तो ये बन जाएगा x + 2² + 25। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एडिशन ऑफ 25 विल लीड्स टू गिव अ पॉजिटिव नंबर, तो डोमेन क्या है इसका, ऑल पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज ऑफ x मींस सारे के सारे रियल वैल्यू इसके लिए परमिसिबल है। क्यों, क्योंकि ये चीज जो है हमेशा के लिए पॉजिटिव आएगा, और 25 के ऐड करने से ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर की तरफ क्या होना चाहिए, क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए फॉर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो मैंने बोला कि मिनिमम वैल्यू फंक्शन का कब आएगा, जब ये वैल्यू जीरो हो जाए, जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा तो जरा देखना यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ √25। इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, x = -2 पे, जब x का वैल्यू मैं -2 रखूंगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और √25 का वैल्यू क्या आ गया, 5 के बराबर आया। मिनिमम वैल्यू 5 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ये पता हमें कि ये एक अपवर्ड पैराबोला होता, मैक्सिमम कहाँ पे जाता, मैक्सिमम इनफाइनाइट पे जाता, तो इनफाइनाइट पे जब जाएगा तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन कर जाएगा इन्फिनिटी पे। तो बड़े ही आराम से हम लोगों ने बोल दिया कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आते हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि हम लोगों को अगर क्वाड्रेटिक याद है
तो क्वाड्रेटिक का ये ऐसा सिनेरियो होता था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो मिनिमम वैल्यू होता था, अगर हमारे पास a का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला होता है। और लास्ट वाले में x इनफाइनाइट का क्या कह रहा है? ये एक पैराबोला का ये ग्राफ होता है, याद है ax स्क्वायर प्लस, तो ये पैराबोला ऐसा जाता है और ये कहां तक चलते जाता है, इंफिनिटी तक चलते जाता है ना। अगर मैं इस y को स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेंड करेगा, जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो जरा फिट करना यहां पे, fx भी क्या चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। दैट्स इट, ये रहा हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन जो कि 5 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। दूसरा आते हैं इसी का दूसरा मेथड कि अगर मान लिया जाए तुम्हें याद नहीं है कि ये सब हम लोग लॉजिक कैसे लगाया सर, तो उस केस में हम लोगों को ये पता कि ये अपवर्ड पैराबोला का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है वर्टेक्स पे, और वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस डी बाई फोर ए, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो माइनस डी बाई फोर ए निकाल लेंगे वो मिनिमम हो जाएगा और इनफाइनाइट पे हो जाएगा मैक्सिमम, तो उसके हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरा ऑल्टरनेट प्रोसेस था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे साइन माइनस कॉस प्लस थ्री रूट टू अपॉन रूट टू। अच्छा ये चीज पता है कि a sin x, ये ट्रिगोनोमेट्री की बात है, a sin x plus b cos x का जो रेंज होता है वो होता है माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा इसका रेंज a sin x plus b cos x या माइनस का। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये देखा कि साइन माइनस कॉस का रेंज क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है तो माइनस रूट टू से लेके रूट टू के बीच में होगा, इसमें थ्री रूट टू एड करेंगे तो ये बन जाएगा टू रूट टू और ये बन जाएगा फोर रूट टू, फिर रूट टू से डिवाइड करेंगे तो जरा देखो टू और फोर के बीच में बन जाएगा। तो ये बना हमारे पास कि इसके अंदर की जो क्वांटिटी है वो टू और फोर के बीच में है, इसके अंदर की क्वांटिटी क्या है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी टू और फोर के बीच में है। अगर मैं बेस टू के साथ लॉग ले लूंगा, अगर लॉग बेस टू के साथ ले लिया मैंने दोनों तरफ तो ये बन जाएगा लॉग बेस टू, ये बन गया टू और यहाँ पे लॉग बेस टू फोर, और ये log base 2 overall inside of this quantity, यही तो हमारा fx है, ये हमारा fx है और इसका वैल्यू होता है 1 log 4 base 2, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर base 2, 2 को आगे लेके आएंगे, log 2 base 2 1 होता है, तो आंसर इसका हो गया 2 के बराबर। तो fx किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, यही तो कहलाता है रेंज। तो रेंज हमारे पास आ गया 1 से लेके 2 तक। तो इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं जब हमारा इनफाइनाइट इंटरवल हो जाए, इंटरवल हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो अब अलग अलग तरीके का जैसे प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो अगर मैं क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, हमें क्या कंडीशन था कि x के वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, y इन टर्म्स ऑफ fx तो दिया हुआ रहता ही है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर कुछ करके x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है। तो मैंने इधर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये बना y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने क्रॉस इधर उधर किया, डिवीजन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया वाई अपॉन वन माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया वाई अपॉन वन माइनस वाई। और हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर इक्वल जीरो होता है, तो वही है कि कुछ ना कुछ कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, अगर कुछ एक्स स्क्वायर बन गया तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो। तो इसी तरह से अलग अलग कंडीशन हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल जीरो, फिर मैंने वाई के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी फ्लिप कर गया और इसका वेविकर मेथड निकाल लिया तो आंसर आ गया जीरो से लेके वन। इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखो टेन थ्री एक्स अपॉन टेन एक्स, तो टेन थ्री एक्स का फॉर्मुला ये रहा, ये ट्रिगो में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको यहाँ पे मैंने फिट किया और टेन एक्स का वैल्यू नीचे की तरफ है। एक बात तो कॉमन है कि अगर कहीं पे पी एक्स बाई क्यू एक्स लिखा हुआ फंक्शन तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि इसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इस बार क्या टेन एक्स, तो टेन एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ये हम लोगों ने लिख दिया। क्यों, क्योंकि अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेन उड़ा करके इसको उड़ा दूंगा, ये वाला टेन यहाँ से कॉमन लूंगा दोनों तरफ से और इस टेन को उड़ा दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ थ्री बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा पावर एक घटने के बाद टेन स्क्वायर और वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर तो है ही। अच्छा ये बन गया थ्री माइनस टी अपन वन माइनस थ्री टी और टी का वैल्यू मैंने क्या माना है टेन स्क्वायर एक्स, टी का वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर इक्वल जीरो होता है, जीरो वाला अवॉइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, हमने पहले स्टेप में लिखा था टी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। देखो वाई इन टर्म्स ऑफ टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और टी इन टर्म्स ऑफ वाई किया और इसका क्या कर दिया, वेविकर मेथड निकाल दिया। दैट्स इट, दैट्स
what the answer is. इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं कि y in terms of fx दिया हुआ रहता, हमें x in terms of y लेके आना और कुछ कंडीशन लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वाड्रेटिक वाले की बात कर रहा था, इसका अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि दिस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, 0 नहीं हो सकता। जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है वो रूट्स नहीं देते, रूट्स नहीं देते मतलब उस क्वाड्रेटिक को 0 के बराबर पुट नहीं कर सकते। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब डिनोमिनेटर होने की गुंजाइश नहीं है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ? रियल हुआ। रेंज निकालने के लिए डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है, रेंज निकालने के लिए डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है। तो डोमेन हमारा ऑल रियल आ गया, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तो ऑलवेज डिफाइंड है, क्वाड्रेटिक है, नीचे भी हमारा ऑलवेज डिफाइंड है, लेकिन हमें उस पॉइंट को एलिमिनेट करना था जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। इट कैन नॉट बी 0, ये x के किसी वैल्यू पे 0 नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया? ऑल रियल आ गया। देखना y इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये बन गया x में फंक्शन, ये बन गया x में क्वाड्रेटिक। अब x जो है, x हमारे पास है डोमेन, डोमेन को ही तो x बोलते हैं, x के वैल्यू। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यू, मतलब x क्या है? रियल है। तो x रियल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू 1 रखने से ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये बन जाएगा, देखना जरा, 2 - 1 = 1 और राइट साइड में 0 है, तो ये LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो d ग्रेटर इक्वल 0 में मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये बना y - 1 × 7y - 3 = 0। वेविकर मेथड लगाया तो आंसर तुम्हारे पास आया 3/7 से 1। 1 पे हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो 3/7 से 1 ये आया आपका रेंज। तो दिस इज द प्रोसेस जब तुम्हें क्या दिया हो रहेगा, y इन टर्म्स ऑफ x दिया रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक के बाद रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वेविकर मेथड लगाया, आंसर आ गया, दैट्स इट। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जब दिया हो रहेगा। अच्छा, इस सेम तरीके के प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हैं और वहां पे जो दूसरा मेथड बताया जाता है वो दूसरा मेथड भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, देखना जरा एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोएफिशिएंट है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वो दोनों के दोनों बराबर है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग ऊपर वाले को मैनिपुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 1, x square plus x plus 2 minus 1। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या होगा कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पहले पार्ट को इससे डिवाइड करूंगा और दूसरे पार्ट को इससे डिवाइड करूंगा। तो पहले पार्ट को जब इससे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1 और दूसरा वाला जो डिवाइड होने के बाद बचेगा 1 upon x square plus x plus 2। अच्छा, इससे ये मिला तुम्हें कि दिस इज अ पैराबोला और जो कि कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। इसका मिनिमम वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? वर्टेक्स पे। अच्छा, ये छोटा होगा तो डिनोमिनेटर में आने के बाद ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? बड़ा वैल्यू हो जाएगा, लार्ज वैल्यू। अगर वन में से बड़ा वैल्यू घटेगा तो जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर से देखेंगे। ये जो हो, अगर ये मिनिमम होगा तो डिवीजन कितना होता है? -d/4 है, जो कि 3/7 के बराबर आया, 3/7 के बराबर आया। तो ये रहा हमारे पास कितना? -d/4 है, 1 में से घटाने के बाद आंसर आया 3/7। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें पता है, टेंड्स टू इनफिनिटी, इनफिनिटी अचीव नहीं करता, ये टेंड्स टू करता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा? अटेन नहीं करेगा लेकिन वो अचीव करने की कोशिश करेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? टेंड्स टू 1 - 1/∞, जो कि आया 1/∞ टेंड्स टू 0 होता है और टेंड्स टू 0 1 में से टेंड्स टू 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 तक जाएगा लेकिन 1 को ओपन रहने देगा, क्यों? क्योंकि 1 को अचीव नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट बी अचीवेबल, इट इज जस्ट टेंडिंग टू 1। तो ये रहा हमारा y का वैल्यू। बट दिस मेथड इज स्पेसिफिकली वैलिड ओनली फॉर दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर द कोएफिशिएंट of x square and x in the numerator as well as the denominator side are equal। जैसे for example इस case के लिए valid नहीं होगा, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। इस case पे तुम्हें क्या लगाना होगा? Method number 1 जो हम लोगों ने ऊपर किया, तो वही किया हमने, देखो cross multiply किया, ये किया, वो किया और इसके बाद d greater equal 0 के बाद Wevicker method से solve करके answer निकाला। तो ये काम करने का तरीका हुआ। तो इसी तरह से कुछ सवाल थे। फिर आते हैं दूसरा मेथड जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर में, लेकिन यहाँ पे फिर से बता देते हैं कि a sin x plus या minus b cos x होगा। तो रेंज जो होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जो साइन और कॉस होते हैं उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के
नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट के बीच में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सवाल की बात करूं, 17 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x, तो ये नहीं कि सर पूरा स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं, हमें रेंज धीरे धीरे फंक्शन की तरफ बढ़ना होता है। मैं इसे देखूंगा 5 cos x माइनस 12 sin x, इसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है क्या, कि 5 cos माइनस 12 sin का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट। अच्छा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 के बराबर होगा, नेगेटिव पार्ट माइनस 13 पॉजिटिव पार्ट प्लस 13, दैट्स इट। ये रहा हमारे पास माइनस 13 से प्लस 13 के बीच में लाई करने वाला क्वांटिटी। अब जैसे देखो धीरे धीरे हम लोग फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें क्या बोला 17 आप ऐड कीजिए, अगले स्टेप में मैंने 17 ऐड किया, तो 17 ऐड करने से ये 17 ऐड करने से 4 होगा और ये बन जाएगा 30, ये बन गया 30। अभी भी फंक्शन नहीं मिला, अभी हमें फंक्शन को अटेन करने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा डिवीजन। तो ये बात तो पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन 1/5 और 1/3 जब करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 जो होगा वो 3 से बड़ा है, लेकिन 1/5 और 1/3 में 1/3 ज्यादा बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो अगर मैंने इसको डिवीजन कर दिया, डिवीजन में रखा, तो ये इनइक्वालिटी यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/4 और ये 1/3, मतलब ये 1/4 से छोटा होगा और ये देखना ये उल्टा होकर 1/30 से बड़ा हो जाएगा। तो यही तो है तुम्हारा रेंज 1/30 से लेके 1/4। तो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन पहला सवाल का, यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो दूसरा ये देखेंगे कि ये दोनों का जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ये भी लॉजिक ध्यान में रहना चाहिए। ये ना हो कि इसमें एंगल थीटा और इसमें एंगल 2 थीटा फिर से लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग है, वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला की रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, हमें दोनों का कोएफिशिएंट दोनों के एंगल बराबर करने होंगे। तो मैं क्या करना हूँ सेकंड वाले में, कि पहले इसे एक्सपेंड कर देता हूँ cos a प्लस b के फॉर्मूला से, cos a cos b माइनस sin a sin b, उसके बाद मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन लिया और ये बन के आया, इस बार जो एंगल बना cos x और sin x दोनों का एंगल x और x है, यहां से मैंने लगा दिया तो आंसर आ गया माइनस रूट 7 से प्लस रूट 7। तो ये था हमारा काम करने का तरीका। तीसरा क्या होता है, एक मेथड जिसको AMGM मेथड बोलते हैं, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में एक चीज पढ़ते हैं कि AM क्या होता है, ग्रेटर इक्वल GM होता है। शॉर्टकट में बता देता हूँ, एम का मतलब मान लिया जाए तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर है x1 x2 x3 और xn, अगर तुम्हें एम निकालना होगा कुछ नहीं करना, एवरेज कर देना डिविजिबल बाय n, मतलब सम ऑफ ऑल दी नंबर डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ये होता है एम। अच्छा जीएम क्या होता है, जीएम होता है कि आप प्रोडक्ट कर दीजिए और इस पे पावर क्या कीजिए रेसिप्रोकल में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे मान लिया जाए 5 टर्म है, तो x1 x2 x3 x4 x5 इन पांचों को मल्टीप्लाई कीजिए और 1/5 पावर चढ़ा दीजिए, दिस विल बी जीएम, दैट्स इट। क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी एम और जीएम लिखने की, तो फॉर एग्जांपल एक्स और एम इज ग्रेटर इक्वल जीएम जो वैलिड करता है, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। एम और जीएम लिख सकते हो किसी भी नंबर के लिए, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी होल्ड करता है ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो तुम्हें देखना होगा कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। तो x प्लस 1/x की बात की जाए, तो x अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो x और 1/x दो नंबर है। जरा देखो एम अगर मैं करूंगा तो इसका डिविजन बाय 2 और जीएम करने से 1/2, ये तो 1 ही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 से बड़ा या बराबर, तो यही चीज लिखा हुआ कि x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास x नेगेटिव आ गया, तो मैं बोलूंगा कि माइनस x तो पॉजिटिव है, तो मैं दो नंबर ले रहा हूँ माइनस एक्स माइनस 1/x, इन दोनों का एम जी एम लगाते हैं तो माइनस एक्स प्लस माइनस 1/x डिविजिबल बाय 2 विल बी ग्रेटर इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1/x क्या हुआ ग्रेटर इक्वल टू, माइनस को डिविजन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगा और माइनस 2। तो यही चीज लिखा हुआ x प्लस 1/x लेस इक्वल माइनस 2। कोई पूछता है कि भाई आप ये बताइए कि x प्लस 1/x का ना रेंज क्या होगा, इसी का रेंज, तो मैं बोलूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर x निगेटिव है तो माइनस 2 से छोटा है और अगर x पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा है, तो इसका भी रेंज जो आया x प्लस 1/x का वो क्या आया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज द रेंज ऑफ x प्लस 1/x। अब जैसे देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को लगाएंगे कब, जब दोनों फंक्शन क्या होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल वगैरह में होंगे, तो कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल में दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसमें एम और ग्रेटर इक्वल जीएम अगर मैं लगाऊंगा तो 4 cot square plus 9 tan square by 2, ये रहा एम, और जीएम का जो वैल्यू होगा रूट अंडर ऑफ 4 into 9 जो cot square into tan square का प्रोडक्ट जो आएगा into 1, यहां पे हिडन इंफॉर्मेशन है, रूट 36 6 के बराबर आया, 2 से मल्टीप्लाई होगा,
तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 12 से बड़ा, 12 या 12 से बड़ा, तो ऐसा बन जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, 12 से लेकर इनफिनिटी तक। इसी तरह से cos square sec square एक दूसरे का रेसिप्रोकल, sin square cos square एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो हम लोग क्या करेंगे AMTM लगाते जाएंगे। तो ये था अगला मेथड। उसके बाद आते हैं चौथा मेथड होगा कि अगर मान लिया साइन पे पावर और कॉस पे पावर दोनों पे इवन पावर है, साइन और कॉस दोनों पे इवन पावर है। अच्छा ये कोई मेथड नहीं है, दिस इज द शॉर्टकट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग डिफरेंशिएशन के हेल्प से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शन का। तो वहां का एक ओवरऑल रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वो रिजल्ट ये है कि अगर साइन पे और कॉस पे दोनों पे पावर इवन है और उस केस में तुम्हें रेंज निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसी एक को जीरो कर देंगे, साइन या कॉस में से किसी एक को जीरो कर देंगे। तो जैसे तुमने साइन को जीरो किया, साइन को जीरो किया, तो कॉस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा या माइनस वन बनेगा, इवन पावर के साथ हमेशा वन आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका वन आया। मिनिमम के लिए क्या चाहिए, मिनिमम के लिए आपको वो वैल्यू पुट कर देना है जहां पे साइन कॉस बराबर होती है, मतलब एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन पे पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो मैंने ना पहले मेथड से बहुत लंबा तरीके से किया है और दूसरे मेथड से जब मैंने किया शॉर्टकट अपना कि देखो दोनों पे इवन पावर है, तो मैंने क्या किया किसी एक को कॉस को जीरो किया तो साइन का वैल्यू 1 हो गया, तो fx का मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया, 1/√2 मैंने फिट कर दिया, मतलब पाई बाय 4x का वैल्यू फिट किया, तो 1/√2 पे पावर 4, 1/√2 पे 2, 3/4। इससे भी रेंज वही आया जो ऊपर वाले बड़े से मेथड से आया। उसमें क्या किया मैंने, परफेक्शन परफेक्ट स्क्वायर वगैरह का सेट किया जैसे ऊपर वाले हम लोगों ने मेथड किया था। यहाँ पे जरा देखो पावर 8 दोनों के दोनों इवन है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगा, मिनिमम वैल्यू जहां पे दोनों बराबर है 1/√2 पे पावर 8 मतलब 2 पे पावर 4, 1/2 पे पावर 4, तो आंसर आ गया 1/8। तो रेंज आ गया 1/8 से 1। ऐसे सवाल आते हैं जेईई मेन में स्पेशली, तो वहां पे ये नहीं कि चले डिफरेंशिएशन लगा दें, ये बना बनाया एक होता ना कि सॉलिड सा फॉर्मूला, कि हाँ रेडीमेड फॉर्मूला, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बार बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा, मिनिमम वैल्यू जहां पे दोनों बराबर होते मतलब 45 डिग्री रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो इवन इवन क्या होगा, मैक्सिमम तो 1 ही आएगा, मिनिमम के लिए 1/√2 पे पावर 6 प्लस 1/√2 पे पावर 8 ऐसा लग देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/16 के बराबर। और लास्ट मेथड जो है ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डोमेन का पता होना जरूरी है। डोमेन हमारे पास आ गया 2 से लेके 8 तक, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और जहां पे डेरिवेटिव f'x जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जहां पे इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो करेंगे, न्यूमरेटर को भी जीरो करेंगे और डिनोमिनेटर भी जीरो करेंगे, द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन न्यूमरेटर एज़ वेल एज़ द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 आर सेड टू बी द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों आर जीरो आर सेड टू बी द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो हम लोगों को क्या करना, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना, सीपी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और फिर आएंगे अपने एक्चुअल चीज पे कि जो वैल्यू हमारा, जैसे देखो हमारे पास दो पॉइंट थे एंड पॉइंट 2 और 8, बीच में 5 आया क्रिटिकल पॉइंट, तो 2, 5, 8 मान लिया जाए, यहाँ पे 6 और 7 दो और क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता, सारे पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, सभी पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, जो सबसे छोटा वो मिनिमम, जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमम, ये रहा हमारा। और रेंज क्या होता, मिनिमम टू मैक्सिमम होता। दैट्स इट, ये यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ज्यादा मैंने स्ट्रेच नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा एक चैप्टर ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम एंड मिनिमम करके, वहां पे इसको अच्छे से समझाएंगे क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने रिवीजन में पढ़ा नहीं है। तो ये चार मेथड ऊपर के काफी हैं रेंज निकालने के लिए। फिर आते हैं रेंज के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कैटेगरी क्या है, तो फंक्शन की जो कैटेगरी होती, अच्छा एक बार ये करना सॉल्व, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, उसके बाद आते हैं।
जीरो से पाई बाय थ्री में इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। डिफरेंशिएशन आता है जब कौन कौन जॉइंट है जी सर, थोड़ा थोड़ा ऊपर करिएगा इसमें। कहाँ पे करना है? ये वाले में सर जो इसका रूट वाला था वो क्वेश्चन दिखा दिए एक बार। ये वाला ना स्क्वायर रूट ऑफ, देखो नहीं स्क्रीन पे दिख रहा, इसमें रूट में साइन एक्स कॉस एक्स था। अच्छा ये वाला था, नहीं एक सॉल्व हुआ था ना पहले, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। नहीं यहाँ पे हम लोग इवन पावर के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, सॉल्यूशन हम लोगों ने इसके लिए किया था जिसमें रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस टू और एट माइनस एक्स। सर नहीं आ रहा है। अच्छा डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन हम लोगों को अगर देखना है तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो अगर मैं f डैश x करूंगा, f डैश x क्या आएगा भाई आपका, सबसे पहले रूट का करेंगे तो 1 बाय 2 रूट, 1 बाय 2 रूट वेरिएबल होता है जी सर, है ना, इनटू अब sin का करेंगे तो cos x माइनस सॉरी प्लस, इसका करेंगे तो क्या आएगा भाई आपका, इसका आएगा हमारे पास 1 बाय 2 रूट cos x इनटू माइनस sin x इंटू माइनस साइन एक्स, बिल्कुल। तो अगर मैं वन बाई टू रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जरा देखो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोगों ने रूट कॉस एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस टू द पावर थ्री बाई टू एक्स बनेगा और यहाँ पे बनेगा साइन टू द पावर थ्री बाई टू एक्स, क्या ये सही है? जी सर, ये चीज जो है हम लोगों ने रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे तो रूट कॉस एक्स है नहीं, इससे मल्टीप्लाई होगा, वन पावर ऑलरेडी था सर, एलसीएम ले लेना एक बार, मैं ओवरऑल हाँ पूरा मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद जो नीचे वाला था उसका मैंने साइड कर दिया, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया जिससे आसानी से हो, तो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो कॉस पे पावर थ्री और ये माइनस साइन पे पावर थ्री। अच्छा अब एफ डैश को अगर मैं जीरो करूंगा, एफ डैश एक्स को अगर मैं जीरो करूंगा तो जरा देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा कॉस पे पावर थ्री बाय टू एक्स माइनस साइन पे पावर थ्री बाय टू एक्स, और इससे अगर मैं देखूंगा तो एक्स का वैल्यू सिर्फ एक ही अटैच होगा, वो होगा पाई बाय फोर, ये हमारा आया पाई बाय फोर। अच्छा डिनोमिनेटर अगर मैं जीरो करूंगा, डिनोमिनेटर अगर मैं जीरो करूंगा तो या तो आएगा एक्स का वैल्यू जीरो या तो आएगा पाई बाय टू, पाई बाय टू हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बाहर है, हमारा डोमेन दे रखा है, डोमेन क्या है जीरो से लेके पाई बाय थ्री पे। तो मैं क्या करूंगा, एफ जीरो का वैल्यू निकालूंगा, एफ जीरो का वैल्यू जरा देखो क्या आएगा, एफ जीरो का वैल्यू वन के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज जो है वन देगा और ये चीज हो जाएगा जीरो। अच्छा एफ पाई बाय फोर निकालता हूँ, एफ पाई बाय फोर तो ये बन जाएगा वन बाय रूट टू, कब वन बाय रूट टू मतलब वन बाय टू पे पावर वन बाय फोर बनेगा क्योंकि रूट टू का फर्दर स्क्वायर रूट है, और ये भी आ जाएगा वन बाय टू पे पावर वन बाय फोर, तो जरा देखना क्या होगा, ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ वन बाई टू पे पावर वन बाई फोर और ये कैंसिल होगा तो क्या बनाएगा टू पे पावर थ्री बाई फोर, क्या ये सही है एफ पाई बाई फोर। अच्छा एफ पाई बाई थ्री निकालते हैं, एफ पाई बाई थ्री निकालेंगे, एफ पाई बाई थ्री का मतलब क्या हुआ, सिक्सटी डिग्री रखना है, सिक्सटी डिग्री जो होता है ये होता है रूट थ्री बाई टू,
तो ये हो जाएगा हमारे रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, और ये होगा हमारे पास वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जरा देखो, ये बनेगा रूट अंडर ऑफ रूट थ्री प्लस वन और बाई रूट टू, ये अगर मैं देखूं तो ये बनेगा ओवरऑल रूट थ्री प्लस वन स्क्वायर रूट में आया हमारे पास, और बाई टू जो आएगा वो भी स्क्वायर रूट में आएगा। अच्छा ये वन से बड़ा होगा या छोटा होगा बताना, रूट थ्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, इसमें वन के साथ एडिशन होने पे ये बन जाएगा 2.732, वन से बड़े होल डिविजल बाई टू करेंगे तो वन पॉइंट कितना आ जाएगा, वन पॉइंट, हाँ वन से बड़ा आएगा, तो ये ओवरऑल वन से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू वन आएगा, और ये इससे छोटा है क्योंकि टू पे पावर थ्री बाई फोर 1.9, 1.8 के अराउंड आएगा, तो ये इससे तो छोटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेंज जो आएगा मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा तो वन है और मैक्सिमम जो है वो कितना है, तो ये बनेगा हमारे पास वन से लेके टू पे पावर थ्री बाई फोर, ये जो बीच का वैल्यू आया उसको तो कंसिडर करना नहीं है, तो ये रहा हमारा। अच्छा ये कैसे आया, ये तो समझ में आया ना कि पाई बाय फोर पे इसका न्यूमरेटर पार्ट जीरो होगा, वाला कैलकुलेशन वाला समझ में आया, वन बाय फोर के बाद टू इंटू वन बाय टू वाला के बाद ये कैसे आया। अच्छा पाई बाय फोर पे साइन की जो वैल्यू होती है वो वन बाय रूट टू होती है ना। अरे नहीं सर ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो लास्ट थर्ड स्टेप है ना इसमें टू इंटू वन बाई टू आ गया, इसके बाद ये कन्वर्जन बता दिए लास्ट कैसे हुआ। चलो देखते हैं इसको, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू पे पावर वन और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो टू पे पावर माइनस वन बाई फोर, क्या ये सही है, तो a पे पावर ठीक है, हां a पे पावर m into a पे पावर n क्या होता है, a पे पावर m plus n तो 2 पे पावर 3/4 सही है। तो ये था हमारे पास सॉल्व करने का तरीका, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शन के नेमिंग की तरफ, कैसे कैसे तरीके के फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग मैपिंग ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला आता है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है, जो फंक्शन था ना इसके जो वैल्यू ये ले चुका है अब ये इसको ना ले ले, फंक्शन ये अलॉट तो था लेकिन क्या होता है वन वन की जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट इमेजेस लेने चाहिए। तो क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन में अलग अलग उसकी इमेज होनी चाहिए, बताता है जो करस्पॉन्डिंग एक्स का जो एसोसिएशन वैल्यू आता है इस वैल्यू का हम लोग क्या बोलते हैं इमेज, इसका जो इमेज आएगा ये आएगा, इसका इमेज जो आएगा वो ये आएगा। तो फंक्शन में ये अलाउ था कि ऐसा हो सकता है कि इसका अगर इमेज ये बना है तो इसका इमेज ये हो सकता है, इसको हम लोग फंक्शन मानते थे, लेकिन ये वन वन फंक्शन ना होगा, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेनी वन। वन वन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग सबका इमेज आया, दैट्स इट। तो क्या है एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी में, इसको हम लोग वन वन तभी बोलेंगे कि अगर ए और बी अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी हमारा क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर आउटपुट सेम आ गया तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना होगा कि इनपुट भी सेम होगा, तभी ये पॉसिबल होगा वन वन, अदरवाइज ये वन वन नहीं होगा। जैसे ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें कोई एलिमेंट बचे ना बचे हमें फर्क नहीं पड़ता वन वन से भी और फंक्शन से भी, फंक्शन में भी देखा था कि यहाँ पे बच जाए हमें नहीं फर्क पड़ता। मेनी वन फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन हमारा वन वन नहीं हुआ वो मेनी वन होगा, दैट्स इट। दो या दो से ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, जैसे इसका ये आंसर आया, इसका ये इमेज आया, इसका भी इमेज यही आ जाए, इसका भी इमेज यही आ जाए, तो दो या दो से ज्यादा एक ही आंसर देगा उसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, दैट्स इट। उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, अगर मैं ग्राफिकली देखूंगा, ग्राफिकली ये होगा कि मान लिया जाए हमारे पास कोई फंक्शन है, ये रहा तो फंक्शन मान लिया जाए हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जरा देखना क्या हुआ, एक्स का वैल्यू तुमने वन रखा या एक्स का वैल्यू माइनस वन रखा, आंसर क्या आ रहा, वाई का वैल्यू वन आ रहा। तो जरा देखना दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये मेनी वन हुआ। तो वही चीज है कि अगर एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ग्राफ को कितनी जगह पे कट करेगा, मोर देन वन पॉइंट पे, तो वो क्या होगा मेनी वन होगा। अगर सिंगल पॉइंट पे कट किया, जैसे मान लिया जाए कोई ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह से, तो इसने क्या, सॉरी कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है बढ़ते हुए जा रहा, तो पैरेलल टू अगर मैं एक्स एक्सिस दूंगा तो इसने क्या किया सिंगल सिंगल जगह पे कट किया, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ क्या, वन वन फंक्शन। लेकिन अगर ये ऐसा फंक्शन है तो जरा देखना एक दो तीन जगह पे कट किया, डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे मेनी वन, क्यों, क्योंकि एक्स के इस वैल्यू के लिए, एक्स के इस वैल्यू के लिए, एक्स के इस वैल्यू के लिए, तीनों के करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू है वो वाई का वैल्यू कुछ कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो
तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो है मल्टी वैल्यूड हो गया, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन, ये हमारा मेनी वन फंक्शन। तो वही बोल रहा कि अगर एफ ए एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी मेनी वन फंक्शन कब कहलाएगा, अगर आउटपुट सेम दिया हुआ है और हमने किसी तरह से सॉल्व करके ये प्रूव किया कि इनपुट जो है वो अलग अलग है, ए और बी क्या है इनपुट है वो अलग अलग है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज मेनी वन फंक्शन। तो अगर मान लिया जाए मेनी वन फंक्शन है कुछ ऐसा और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रेंज में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ही तो ये प्रॉपर्टी होता था कि तुम 5 रखो या 500 रखो, आंसर तो हमारा वही कांस्टेंट आएगा। मान लिया जाए fx का वैल्यू कुछ 2 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, 100 रखो या 1000 रखो, आंसर क्या आने वाला, 2 आने वाला। दिस इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में जरा देखना, आउटपुट 1 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, कुछ भी रखो, आंसर क्या आने वाला, सेम आने वाला। दिस इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। अब आते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन तुमने सुना होगा, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब वो होता है कि या तो वो हमेशा इंक्रीज करते जाए या तो हमेशा डिक्रीज करते जाए। ये वाले फंक्शन ना हो कि थोड़े टाइम में ये इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ऐसा वाला फंक्शन जो है वो मेनी वन हो जाएगा। कायदे से देखो, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो कितनी जगह पर कट करेगा, एक से ज्यादा जगह पर कट करेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक ही जगह पर कट कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, जो मोनोटोनिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, हमेशा वन वन होंगे। मतलब अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा के लिए डोमेन के हर एक वैल्यू में पॉजिटिव हो तो ये कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेस देन जीरो हो तो वो कहलाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इफ फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन आर सेड टू बी क्या, वो हमारा कहलाता है ये क्या है, वन वन है। अगर थोड़े टाइम में वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दे रहा है तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। तो ये रहा हमारे पास सेकंड कंडीशन जिससे हमें चेक करना होगा डेरिवेटिव के बेसिस पे। उसके बाद इवन फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इवन फंक्शन क्या होता है, x पे रखो वैल्यू फंक्शन का या माइनस x पे रखो आंसर सेम आता। तो जरा देखना, x का वैल्यू तुम 1 रखो या x का वैल्यू माइनस 1 रखो, दोनों पे आंसर सेम मिल रहा है। तो दो x के वैल्यू पे सेम आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो मेनी वन की प्रॉपर्टी है। इसलिए बोलते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होंगे, इवन होंगे। पीरियोडिक फंक्शन तो और मेनी वन होगा, क्यों, क्योंकि वो अपना नेचर बार बार रिपीट करता। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का ग्राफ मैं देखूंगा तो ये देखना जरा कितनी जगह पे कट कर रहा, बहुत जगह पे कट करेगा क्योंकि अपना नेचर बार बार रिपीट करते रहता है, इसलिए क्या होगा, मेनी वन। तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो मेनी वन फंक्शन होंगे। तो ये रहा हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो। नेक्स्ट आते हैं कि टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टिविटी, हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये वन वन है या मेनी वन है वगैरह वगैरह। तो पहला मेथड ये एनसीईआरटी मेथड है कि तुम फंक्शन के वैल्यू को लेकर चलोगे दोनों का आउटपुट बराबर और प्रूव कर दोगे कि अगर एक्स वन और एक्स टू इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। दूसरा ये है कि तुम ग्राफ ड्रॉ कर दो और एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल और उसने अगर सिंगल पॉइंट पे कट किया तो वो इंजेक्टिव होगा। लेकिन पहले वाले में क्या है, बहुत ज्यादा लंबा सा कैलकुलेशन होता है। सेकंड वाले में क्या है, फंक्शन का ग्राफ पता होना जरूरी है। तीसरा क्या है, डेरिवेटिव करो अगर पॉजिटिव आया या निगेटिव आया हमेशा के लिए तो वो वन वन, और थोड़े टाइम में अगर वो दोनों वैल्यू ले रहा कुछ टाइम के लिए इंक्रीजिंग कुछ टाइम के लिए डिक्रीजिंग तो वो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो मैं तीनों मेथड से इसको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि दो पॉइंट है x1 और x2, हम लोगों को क्या करना है, fx1 और fx2 निकालना और दोनों को हमें क्या कर देना है, बराबर पुट कर देना है। बराबर जैसे ही पुट किया तो अगर ये 1-1 होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा कि x1 और x2 बराबर है। लेकिन हमने जब इसे सॉल्व किया तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो x1 का वैल्यू या तो x2 के बराबर आएगा या x1 प्लस x2 का वैल्यू माइनस 3 के बराबर है। तो ये रहा हमारा, दो कंडीशन मिल गया, ये एक्स्ट्रा कंडीशन मिला। इसका मतलब ये है कि दूसरी पॉसिबिलिटीज भी है, विच मीन्स x1 equals to x2 सिर्फ नहीं है अकेला, ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो ये छोटा सा सवाल था तब इतना लंबा किया, अगर बड़ा रहेगा तो और करने में हालत खराब हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम लोग क्या करें, दूसरा मेथड कि ग्राफ ड्रॉ करते। तो ये पैराबोला होता, पैराबोला होगा जरा देखना, ये दो जगह पे कट कर रहा हर जगह पे तो क्या हो गया, मेनी वन हो गया। लेकिन इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है, ग्राफ भी हम हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ जल्दी से नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तीसरा मेथड जो है वो बहुत ही आसान है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर लूं इस फंक्शन का तो ये आएगा 2x plus 3। बहुत ही आराम से तुम बोलोगे कि सर अगर मैं x का वैल्यू -5 रखूंगा तो ये निगेटिव आएगा, x का वैल्यू 5 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो थोड़े टाइम में निगेटिव, थोड़े टाइम में पॉजिटिव, विच मीन्स
ये रहा हमारा क्या मेरी मन की कंडीशन, थोड़े टाइम में वो पॉजिटिव, थोड़े टाइम में निगेटिव, तो ये होता हमारे पास मेनी वन फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो ये हुआ हमारा वन वन एंड मेनी वन। उसके बाद आते हैं ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। तो फंक्शन क्या हो, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहना चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहना चाहिए। इनटू फंक्शन क्या हुआ, जो ऑन टू नहीं हुआ वो इनटू, कम से कम इसमें एक क्या होने चाहिए, खाली रह जाने चाहिए। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा हमारा कोडोमेन का एक सबसेट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि तुम्हें रेंज निकालना है, दिया हुआ रहेगा एफ इज मैपिंग फ्रॉम वन से लेके इन्फिनिटी टू आर प्लस। ये जो दिया हुआ, ये कोडोमेन दिया हुआ ऑलरेडी, तो तुम्हें कोडोमेन दिया हुआ रहेगा। फाइंड आउट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, उसके बाद हमें इसे कंपेयर करना, अगर कोडोमेन के बराबर तो ऑन टू, कोडोमेन से छोटा तो इनटू, दैट्स इट। इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन एक कहलाता है, वो फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो। इंजेक्टिव का मतलब वन वन हो और इसका मतलब ऑन टू। तो वो फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू, वो फंक्शन जो ऑन टू के साथ साथ वन वन भी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, फंक्शन दिस इज बाइजेक्टिव और नॉट, दिस इज वन वन, दिस इज मेनी वन, दिस इज सर्जेक्टिव और वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, अगर सर्जेक्टिव के बारे में बात करेगा तो रेंज निकालेंगे, अगर इंजेक्टिव की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव को निकाल के देखेंगे कि क्या वो फ्लक्चुएट कर रहा है या वो हमेशा के लिए पॉजिटिव और निगेटिव है। दैट्स इट, ये रहा हमारा वन। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए वन वन ऑन टू का, इसमें क्या होगा, अलग अलग इमेज भी और इसमें कुछ खाली भी नहीं रहना चाहिए। ये हुआ वन वन ऑन टू। इसमें आते हैं वन वन इंटू, वन वन इंटू में देखो सबके सब अलग अलग तो लिए लेकिन एक बच गया, तो ये क्या हुआ भाई, आपका सर्जेक्टिव तो नहीं हुआ लेकिन इंजेक्टिव है। मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू में जरा देखो क्या हुआ, इसने और इसने सेम इमेज लिया तो मेनी वन हुआ और इसमें खाली नहीं रहा तो क्या हुआ, सर्जेक्टिव हो गया लेकिन इंजेक्टिव नहीं हुआ। लास्ट में मेनी वन ऑन टू, इसके दोनों के जो वैल्यू आ रहे हैं वो क्यू क्यू आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे छूट भी रहा तो ये तो कर दिया मेनी वन और ये आर छूटने की वजह से हो गया इनटू, तो मेनी वन इनटू फंक्शन। तो हर तरीके के इन चार में से कोई एक होगा कोई भी फंक्शन, या तो वन वन ऑन टू होगा, मेनी वन ऑन टू होगा, मेनी वन इनटू होगा, या वन वन इनटू होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन जो है ना, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, इसको जानने की जरूरत नहीं, इससे सवाल वगैरह जो है उतने आते नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लू इसमें कि एज जो है सेट वो क्या है, एक्स का रीजन दिया हुआ माइनस वन से वन के बीच में, एक्स का रीजन माइनस वन से वन के बीच में दिया और सेट ए और सेट बी क्या है, बराबर है। सेट ए और सेट बी बराबर है। एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ, बोल रहा है इन सारे फंक्शन को आपको चेक करना और बताना कि कौन सा सर्जेक्टिव है, कौन सा बाइजेक्टिव, कौन सा इंजेक्टिव वगैरह वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मॉड एक्स की बात की जाए तो मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, माइनस वन से वन के बीच में हमें चेक करना, माइनस वन से वन के बीच में चेक करना। जो रेंज आया वो कहां से कहां तक आया, जीरो से लेके वन तक। रेंज जरा देखना कोडोमेन से छोटा है तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इनटू। अच्छा वन वन और मेनी वन के लिए अब मैंने जब ग्राफ ड्रॉ कर ही लिया है तो जरा देखना एक एक्स का वैल्यू तुम हाफ रखो या माइनस हाफ रखो, दोनों पे वैल्यू क्या दे देगा, सेम दे रहा। तो ये क्या हो गया, मेनी वन हुआ। तो रेंज क्या आया, जीरो से वन के बीच में, विच इज द सबसेट ऑफ माइनस वन टू वन। तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारे पास इनटू हो गया। और जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन ने कितनी जगह पे कट किया उसको, वो कट किया दो जगह पे, तो वो क्या हो गया तब मेनी वन। तो ना तो ये बाइजेक्टिव है ना तो ये इंजेक्टिव है, मतलब सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों बाइजेक्टिव, तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। एक्स मॉड एक्स की बात की जाए तो एक्स मॉड एक्स को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मॉड एक्स कैसे एक्सपेंड होता, मॉड एक्स एक्सपेंड हो अगर एक्स पॉजिटिव हो और ये होता माइनस एक्स अगर एक्स निगेटिव हो। तो अगर ये एक्स एक्सपेंड होगा तो एक्स इंटू एक्स मिलकर के एक्स जाएगा और माइनस एक्स मिल करके माइनस स्क्वायर हो जाएगा, एक्स निगेटिव और एक्स पॉजिटिव के लिए। अच्छा इन दोनों का ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, पॉजिटिव के लिए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये होता है और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है इन्वर्टेड पैराबोला। ये दोनों मिला करके ये जो पूरा का पूरा ग्राफ आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। अब जरा देखेंगे कि वाई कहां तक फैला हुआ, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द रेंज। तो वाई जो फैला हुआ है वो फैला हुआ माइनस वन से वन के बीच में, ये पूरा का पूरा। तो रेंज क्या आया, माइनस वन से वन के बीच में, जो कि कोडोमेन से मैच कर रहा, विच मीन्स ये फंक्शन कौन सा हुआ, ऑन टू फंक्शन हो गया, फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। एक लाइन ड्रॉ करते किसी भी इंस्टेंट पे, ये कितनी जगह पे कट करेगा, ये सिंगल जगह पे कट करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, वन वन हो गया। दैट्स इट, तो ये वन वन भी हुआ हमारा, ऑन टू भी हुआ। इसी तरह से तीसरा आते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब।
तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, स्टीप कर्व जिसे बोलते हैं कि वाई की तरफ जल्दी भागने लगता है। तो स्टीप कर्व जरा देखना, वाई कॉस टू एक्स स्क्वायर ये अगर है ग्राफ तो वाई कॉस टू एक्स क्यूब कुछ इस तरह से रेड वाला है। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये 1 1 है और रेंज जो है वो माइनस 1 से 1 के बीच में है, वो कोडोमेन से मैच कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन भी हुआ और ऑन टू फंक्शन तो यहाँ से हुआ ही। तो 1 1 और ऑन टू दोनों होने के बाद फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। इसी तरह से कुछ कुछ सवाल थे इसमें। उसके बाद आते हैं इनवर्स फंक्शन की तरफ। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो इनवर्स फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक ऐसा फंक्शन है y cos of x जो कि दोनों है, 1 1 भी है ऑन टू भी है। अभी हम लोगों ने देखा 1 1 ऑन टू चेक करने का, अच्छा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर रेंज निकालने नहीं आता तो ऑन टू पता नहीं होगा, ऑन टू निकालने नहीं आता तो इनवर्स फंक्शन को निकाल पाना मुश्किल है कि whether the function is invertible or not। इसी तरह से इनवर्स फंक्शन की हेल्प से अदर फंक्शन कनेक्टेड होंगे। तो जैसे मान लिया जाए एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई और y equals to fx कोई फंक्शन हमारे पास है जो कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक होगा, यूनिक मैथमेटिक्स में बोलते हैं सिंगल को, वन को, एक ऐसा फंक्शन होगा g जो कि इसके डोमेन और रेंज को एक्सचेंज करेगा। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ ये रेंज है, क्यों, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, और ऑन टू के केस में रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका डोमेन हुआ x और रेंज हुआ y, इनवर्स फंक्शन जो g होगा वो क्या होगा, इन दोनों डोमेन और रेंज को एक्सचेंज करके जो फंक्शन बनेगा वो बनाएगा। तो ये जो हो रहा है अपने आप को एक्सचेंज कर लिया और जो नया फंक्शन बनाया उसको हम लोग बोलेंगे g, और वो होगा कहलाएगा gy = x, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, ये कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। अच्छा f और g जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि g ही f का इनवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। जैसे ये देखेंगे f of f inverse x, मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास ये x है और ये y है, यहाँ से f लगा हुआ है, तो f inverse कहाँ से कहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो क्या है, पहले तो आपने बोला कि f inverse x लगाओ, तो f inverse x का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और f inverse लगाने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए सेट a में, सेट a में। अब f inverse को एज एट आउटपुट मानते हुए f के अंदर लगा देना, f लगाएंगे तो फिर उससे वापस हम लोग वही पहुंच जाए जहां से स्टार्ट किया था, तो मैं बोलूंगा कि वही के बराबर हो जाए इसके बराबर जहां से स्टार्ट किया था, जिस इनपुट से स्टार्ट किया था वही इनपुट पे पहुंच गए, और इस बार जो इनपुट आया है वो किससे आया है, सेट बी से आया है, सेट बी मतलब सेट वाई से आया है, दैट्स इट। इसी का दूसरा वर्जन कि मान लिया जाए तुम्हारे पास ये एक्स है और ये वाई है, मैंने एफ लगाया, यहां से स्टार्ट किया और एफ लगाने के बाद यहां पे पहुंच गया, दिस इज एफ एक्स, फिर उसके बाद f इनवर्स लगा दिया तो यहाँ पे वापस हम लोग पहुंच गए, लेकिन इस बार जो x आया वो कहाँ से, सेट x से आया, पहले सेट से आया। तो दिस इज द प्रोसेस कि तुम f ऑफ f इनवर्स x निकालोगे तो वो x के बराबर होगा ही होगा, या फिर f इनवर्स ऑफ fx निकालो वो भी x के बराबर होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स फंक्शन जो निकालने का तरीका होता है। तो इसके हेल्प से हम लोगों को ये मिला कि दोनों का जो वैल्यू x के बराबर है, तो दोनों का वैल्यू x के बराबर मतलब क्या है, वो y cos 2x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब अगर ग्राफ ऐसा भागा तो ये y की तरफ ऐसा भागेगा और ये y cos 2x बीचों बीच में होगा, अगर इसने 1 पे कट किया तो यहाँ पे भी 1 पे कट करेगा। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक का एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस ने अपने आप को एक्सचेंज किया। डोमेन मतलब होता है x के रीजन में फैला हुआ ग्राफ, रेंज का मतलब होता है कि y के रीजन में फैला हुआ ग्राफ, अगर डोमेन और रेंज ने अपने आप को एक्सचेंज किया इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो x के दायरे में फैला हुआ था वो y के दायरे में फैला हुआ रहेगा, और पहले जो y के ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा था वो x के लिए मिनिमम और मैक्सिमम होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना कहाँ पे खत्म करना। तो इसलिए हो गया ये सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर फंक्शन को पता करना है कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स निकालने से पहले अगर ऑप्शन में पहला ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन कुछ दिया हुआ, तीसरा फंक्शन ऑप्शन कुछ दिया हुआ, चौथा ऑप्शन None of these रहे, चौथा ऑप्शन none of these रहे, या फिर चौथा ऑप्शन बोलेगा not invertible, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें चेक करना होगा whether the function is invertible or not, और invertible चेक करने का तरीका वही है कि हमें चेक करना होगा function 1 1 और on 2 है या नहीं है। तो चारों की चारों ऑप्शन तुम्हें A, B, C और D, अगर तुम्हें चारों की चारों ऑप्शन फंक्शन के फॉर्म में दिए रहेंगे इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, then you won't have to find out whether the function is invertible or not, it is already been given that the function is invertible and you just need to find out the inverse of that function, that's it।
अगर तुम्हारे पास चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस या ऐसा रहे कि इनवर्स इज नॉट डिफाइंड या फिर फंक्शन इनवर्टिबल, तो तुम्हें चेक करना होगा कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होगा, फॉर चेकिंग इनवर्टिबल चेक दैट एफ एक्स इज वन वन नॉट, अगर हमारे पास वन वन ऑन टू हुआ चेकलिस्ट, तो यहां से काम करने का तरीका हुआ हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे कि f of f inverse x is equals to x इस वाले को यूज करेंगे और f inverse के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि f is mapping from 0 to infinity और y equals to x square दिया हुआ है। y equals to x square का जो ग्राफ होता है वो आधा पैराबोला, देखो कहां से कहां तक दिया हुआ है डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज का कोर डोमेन क्या दिया हुआ 0 से लेके इन्फिनिटी तक, दूसरा देखना 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही फैला हुआ, तो ये रेंज के बराबर हो गया, ये रेंज के बराबर हो गया। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या हुआ भाई आपका वन वन बन रहा था, ये वन वन और वन टू दोनों हो गया। लेकिन अगर मैं इसको डोमेन को आर कर देता ना, तो डोमेन को आर कर देने से ग्राफ ऐसा होता और ये देखो ना तो ये वन वन बचता और ना तो यहाँ पे हमारे पास को डोमेन तो बराबर आ जाता रेंज के, लेकिन वन वन नहीं बचता। जब वन वन नहीं बचता तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हुआ, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं, तो पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ा जाता सिर्फ एक चेंज करने से कि यहाँ पे मैं आर कर दूं, तो उस चीज से बचना है। और हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को काट छाट करके ऐसा बनाया कि वो फंक्शन क्या हो आपका, वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। इससे रिलेटेड तो पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है चैप्टर, जब काटा जाता है ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उसी हिसाब से हम लोग इसका इनवर्स अगर निकालेंगे तो डोमेन और रेंज ने तो आपस में एक्सचेंज किया एक दूसरे को, फर्क नहीं पता चला क्योंकि दोनों सेम था यहाँ पे। अच्छा अब जरा देखते हैं एक्स से, x की जगह पे हमें क्या रखना है f इनवर्स x, x की जगह पे f इनवर्स x, तो जहां जहां x है वहां वहां f इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया, और ये किसके बराबर होता है f ऑफ f इनवर्स x, x के बराबर। तो यहां से देखो f इनवर्स x के दो पॉसिबल वैल्यू आए, रूट एक्स और माइनस रूट एक्स f इनवर्स के, क्योंकि f इनवर्स x का जो स्क्वायर आया है वो किसके बराबर आया, वो x के बराबर आया, तो या तो प्लस रूट एक्स या तो माइनस रूट एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है रेंज जो है इसका पॉजिटिव, इसलिए हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ बन के आया रूट एक्स का वो किस इस तरह से आया है, ये रूट एक्स हुआ, ये वाई कॉस टू एक्स स्क्वायर हुआ, और जो ग्राफ कट करता है इंटरसेक्ट करता है वो कहाँ पे कट करता है, वाई कॉस टू एक्स लाइन पे, वाई कॉस टू एक्स लाइन पे। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें छोटा छोटा ग्राफ ड्रॉ कर दिए। जैसे एफ इज मैपिंग फ्रॉम माइनस पावर टू से प्लस पावर टू, माइनस वन टू वन इसका मैंने कोडो में लिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा माइनस पावर टू से प्लस पावर टू के बीच में कुछ इस तरह से होगा। जरा देखो रेंज जो आया माइनस वन से वन में करेक्ट कोडोमेन के बराबर, एक ही जगह पे कट कर रहा है, वन वन हुआ, वन वन भी है और ऑन टू भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या हुआ बाइजेक्टिव हुआ, इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल जो होगा तो इसका डोमेन और रेंज एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा, डोमेन और रेंज एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा, और एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे एफ इनवर्स रखूंगा तो साइन उड़ेगा और दूसरी तरफ जाएगा, क्या बना देगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और जो ग्राफ बन रहा है देखो जरा ये थोड़ा सा उठा और x की तरफ झुक गया तो ये क्या होगा थोड़ा सा उठेगा और ये y की तरफ झुक जाएगा, ये दोनों क्या होगा एक दूसरे के इनवर्स होगा। यहाँ पे ग्राफ दिखा दिया मैंने कि y equals to x line के अवार्ड सिमेट्रिक कैसे हैं, तो ये रहा ग्राफ इन दोनों का कंबाइंड, ये बस ऐसे गलत यहाँ पे ग्राफ बना हुआ था इसलिए कट कर दिया। दूसरा आते हैं cos x के लिए, तो cos x का 0 से पाई और माइनस वन से वन मैंने लिया डोमेन और रेंज, तो ये जरा देखो माइनस वन से वन इस रेंज आ रहा को डोमेन वो कट कर रहा, तो ये क्या हो गया आपका वन वन फंक्शन हो गया, इसका इनवर्स क्या होगा डोमेन और रेंज एक दूसरे से कन्वर्टेबल होगा, कन्वर्टेबल होगा तो जो कॉस इनवर्स का ग्राफ आएगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ जरा देखो क्या होगा, इसको वाई प्लस टू एक्स के अबाउट हम लोग क्या करेंगे सिमेट्रिक देखेंगे, तो ये वाई पे वन कट कर रहा है ये एक्स पे कट करेगा, ये पाई बाय टू यहाँ पे है तो वाई पे कट करेगा, ये नीचे गया तो ये यहाँ पे जाएगा, तो जरा देखो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इन दोनों को कंबाइंड करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि वाई प्लस टू एक्स लाइन पे ये रहा हमारा कॉस, तो ये बन जाएगा इसका cos inverse x। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों के पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना, अभी जस्ट हम लोगों को ये देखना कि इनवर्स निकालते कैसे। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन की क्या कि यूनिक होता है, एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं है, कि आइडेंटिटी जो होता है अगर मान लिया जाए f और g एक दूसरे के क्या है इनवर्स है, तो हमें पता है ना कि f ऑफ f इनवर्स x क्या होंगे x के बराबर होंगे, इसी तरह से g of f inverse मतलब f inverse of fx भी x के बराबर होंगे। अच्छा identity function का मतलब ये होता है कि y plus 2x y could be the identity function, तो ia का मतलब क्या हुआ, ia का मतलब हुआ कि x के बराबर होगा, और वो x कहां से आएगा सेट a से, ये हुआ x के बराबर, वो कहां से आएगा सेट b से, जो ऊपर लिखा उसी का चीज है।
अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन का अगर मैं इनवर्स निकालूंगा तो जो नया फंक्शन आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो दोनों तरह से फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। अब आते हैं कि ये थोड़ा सा जी ओ एफ वाला मामला जो है ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। इसके जस्ट बाद देखेंगे कंपोजिट फंक्शन में हम लोग, ये प्रॉपर्टी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो कंपोजिट फंक्शन का, वो क्या बोलता है कि जी ओ एफ है, जी ओ एफ का मतलब ये होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ और इसका तुमने इनवर्स निकाल लिया तो ये क्या होगा, एफ इनवर्स निकालो और फिर जी इनवर्स एक्स निकालो, एफ इनवर्स मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर जाएगा, बाद वाला पहले आ जाएगा। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन का लास्ट प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल में देखना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एफ एक्स बाई थ्री और डोमेन दिया हुआ है, तो तुम्हें सिर्फ ये पूछा इनवर्स ऑफ, तो यू नीड नॉट टू चेक वेदर द फंक्शन इज इनवर्टिबल और नॉट, जस्ट हमें कैलकुलेशन करना और इनवर्स पता करना। तो मैं क्या करूंगा, y equals to fx equals to sin inverse of x है, जरा देखना x का वैल्यू क्या आया, इसको अगर मैं y को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो sin यहां से आएगा तो sin y बन जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू 3 sin y के बराबर है, x का वैल्यू 3 sin y के बराबर है। अच्छा ये x जो था वो किसके बराबर हो जाएगा, f inverse y के बराबर हो जाएगा, ये जो है क्योंकि y equals to fx होता है, y equals to fx होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, f inverse of y, x का वैल्यू क्या हो गया, x inverse f inverse of y, यही चीज लिखा, ये किसके बराबर हो गया, 3 sin y के बराबर। अब y को x से मेरे को क्या करना, रिप्लेस कर देना, तो f inverse x आ गया 3 sin x, क्यों, क्योंकि y और x क्या होगा, एक दूसरे से इंटरचेंज होगा, y और x एक दूसरे से इंटरचेंज होगा तभी तो मामला आएगा। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ fx is equal to sin inverse of x by 3, जहां पे डोमेन हमारे पास दिया हुआ। दूसरा आते हैं log of x square plus 3x plus 1, इसमें अगर y equals to fx मैंने माना है तो y का वैल्यू क्या है, ln x square plus 3x plus 1, यहां से log को उड़ाऊंगा तो क्या बन जाएगा, e to the power y। अब मैंने सॉल्व करके जो निकाला है x का वैल्यू, वो क्या आया, दो वैल्यू आए x के, दो वैल्यू आए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब जरा देखना x क्या है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा है, निगेटिव ले लेंगे तो x निगेटिव आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमें 1 से बड़ा लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पॉजिटिव वाला लेना होगा। x का वैल्यू किसके बराबर होता है, f इनवर्स y के बराबर, और फिर y का वैल्यू x से हमें रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। अब यहां पे जो वैल्यू बन के आएगा, दिस इज कंसीडर्ड टू बी f इनवर्स ऑफ x। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, चलो फटाफट इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 3 को नीचे की तरफ है जो, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। शिबा आया क्या तुम्हारा, नबील तुम्हारा आया, अच्छा आ रहा, करो करो, y in terms of x से x in terms of y निकालेंगे,
और फिर डिसाइड करेंगे कि विच वन विल हैव टू ऑप्ट डोमिनो ब्रांच एक दूसरे का. तो इसको जब लेफ्ट साइड में लेंगे तो 5x plus 13 हो जाएगा और लॉग हो जाएगा. बिल्कुल 5x plus 13 is equals to ln y हो गया, यहां तक आ गया. उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, x को निकाल देंगे बस. हाँ, ln y minus 13 by 5. अच्छा, एक स्टेप शॉर्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ कि तुम्हें x और y को डायरेक्टली इंटरचेंज कर लो यहाँ के बाद. तो x और y को इंटरचेंज, बीच में ये स्टेप क्यों लिखना? x और y को मैं जो इंटरचेंज करूंगा तो जो नया वाला y आएगा वो क्या आएगा? f inverse x के बराबर. तो जरा देखना, ये बन जाएगा y और यहाँ पे बनेगा ln x minus 13. तो बीच वाला स्टेप तुम स्किप कर सकते हो. ऊपर में बताना जरूरी था कि f inverse y मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि y equals to fx होता है तो x का वैल्यू क्या होगा? f inverse of, है ना. तो ये स्टेप जो है वो क्या है, वो बस इससे दिखाने के लिए मैं कर रहा था. अब तुम क्या करोगे, यहाँ के बाद सीधा यहाँ लिख सकते हो कि x और y को इंटरचेंज कर लूं, जो नया वाला फंक्शन मिलेगा वो f inverse x होगा. अच्छा, ये एक सवाल करोगे? जी सर. यस. और उसके बाद इन सब x का वैल्यू फिट करेंगे. जैसे y equals to x cube minus 1 है, इधर से हम लोगों को क्या करना है, x cube का वैल्यू y plus 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y plus 1 पे पावर 1 by 3. यहां से यहां हम लोग लिख देंगे तो 1 plus x पे पावर 1 by 3. x के तीनों वैल्यू को हम लोग फिट कर देंगे. तो इसी तरह से एक दो सवाल है यहाँ पे. फिर आते हैं कंपोजिट फंक्शन की तरफ.
तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए एफ जो है ए से बी की तरफ मैप कर रहा, जी जो है हमारा कंपोजिशन, दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन हम लोग कर देते हैं तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो जी ओ एफ जो होता है इसी का शॉर्ट फॉर्म जी ऑफ एफ एक्स होता है, तो जी ओ एफ का मतलब यही हुआ, एफ ओ जी, जी ओ एफ ये सब लिखा हो रहता है तो देख के डरना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा ये अब मैं देखूं यहां से ए जो है ए से बी तक एफ मैप कर रहा, बी से सी तक जी मैप कर रहा, एक ऐसा फंक्शन हो कि डायरेक्ट यहां से यहां मैप कर जाए उसी को हम लोग बोलेंगे एच, एक नया फंक्शन जो कि जी ओ एफ है। तो जरा देखना इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था सेट और लास्ट पॉइंट कहाँ पे सी, तो कहां से कहां तक मैप करेगा, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जरा देखो, यहाँ मैंने प्रॉपरली दिखा रखा कि ए मान लीजिए एफ कुछ ऐसा फंक्शन है, एफ हमारा कुछ भी फंक्शन हो सकता है, वन वन मेनी वन वॉट एवर। जैसे यहाँ पे मैंने एकदम एक्सट्रीम केस दिखाया है कि ना तो वो वन वन हो ना तो वो ऑन टू हो, तो ये ए और बी ने सेम वैल्यू लिया है तो ये वन वन नहीं रहा, यहाँ पे फाइव रह गया तो ये ऑन टू नहीं रहा, तो ये जो है कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर कंपोजिशन होने के लिए क्या एफ और जी को बाइजेक्टिव होना जरूरी है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब इट मे बी पॉसिबल बट इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन दैट बोथ द फंक्शन एफ एंड जी शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होने चाहिए, कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने जो एग्जाम्पल लिया वहां पे वन जो है दो के साथ एसोसिएशन कर रहा है और फाइव फ्री बैठा हुआ, बावजूद उसके ए और सी में हमें देखना है तो ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाने चाहिए ना, और यहाँ पे सी में देखना और बी में जो देखेंगे तो बी का भी सारा एलिमेंट एसोसिएट हो गया, तो ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा जो कंपोजिशन का डब्बा है। अब ये बहुत ही आसान सा होता है, अगर मैं बात करूं कि इमेज ऑफ एवरी एक्स, एक्स का हर एक इमेज जो होगा अंडर जी ओ एफ इज द जी इमेज, जी इमेज होगा किसका, ऑफ द इफ एफ इमेज, एफ का इमेज कौन सा है, ध्यान से देखेंगे एफ का इमेज है ये सारा का सारा वन टू थ्री और फोर, तो ये क्या है जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, तो जी इमेज किसका है एफ इमेज का, तो वन का ये देखो, टू का ये देखो, थ्री का ये देखो, फोर का देखो और फाइव का ये देखो, तो ये जस्ट वर्ड का प्ले है, बाकी एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ ये डब्बा अगर याद है सब कुछ आता है तुम्हें। तो अगर मान लिया जाए जी ओ एफ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओनली इफ एक्स जो होना चाहिए वो सेट ए से होना चाहिए, एफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी, मतलब एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स का जो डोमेन है, एफ एक्स का जो रेंज आएगा वो क्या होगा डोमेन ऑफ जी होगा, दैट्स इट, एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा उसका डोमेन होगा, क्योंकि जरा देखो एफ एक्स का रेंज क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है वन टू थ्री फोर, ये सारे के सारे जी के क्या है डोमेन है, तो ये सारी चीजें इसी डब्बे को देख करके ये तीनों के तीनों लिखे गए हैं, तो इनमें बेहतर ये है। अच्छा एफ ओ जी निकालो या जी ओ एफ निकालो वो अलग अलग केस होगा, जैसे मान लिया जाए एफ एक्स का वैल्यू मैंने लिया साइन एक्स और जी एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर दूंगा। अच्छा एफ ऑफ बनने का तरीका क्या हुआ कि अंदर की तरफ इस बार जी एक्स है, तो एफ की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी इनपुट प्रोवाइड करोगे उसके आगे वो साइन लगा देगा, तो इस बार जी एक्स प्रोवाइड किया है तो साइन एक्स दे देगा और जी एक्स के पास पता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो एफ इस बार अंदर की तरफ है और जी की क्या प्रॉपर्टी है, जो भी इनपुट कर रहे हो उसका वो स्क्वायर कर दे रहा है, तो एफ इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग साइन, तो उसका स्क्वायर कर देगा, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, कभी कभी बराबर हो सकते हैं लेकिन वो एक कोइंसिडेंट होगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर इक्वल। अच्छा अगर मेरे पास तीन फंक्शन है एफ ओ जी ओ एच, तो ये सिस्टमेटिकली तुम किसी दो को पहले निकालो उसके बाद तीसरे के साथ निकालो मामला बराबर है, मैं पहले चाहूँ इन दोनों को निकालू उसके बाद एफ के साथ निकालूंगा बिल्कुल सेम आएगा, या फिर तुम बोलोगे सर पहले ना मैं एफ ओ जी निकाल लेता हूँ उसके बाद एच के साथ निकालूंगा बिल्कुल सेम आएगा, ये किया कराया हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये प्रॉपर्ली फॉलो करता। अगर मैं मान लिया जाए बाइजेक्टिव फंक्शन लेता हूँ उसका ये लेता हूँ कंपोजिशन ले लूंगा तो क्या होगा वो भी बाइजेक्टिव आएगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने ये बाइजेक्टिव फंक्शन ले लिया ए का वन बी का टू सी का थ्री डी का फोर और ई का फाइव फॉर एग्जाम्पल लिया था, तो अब इसका अलग 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 आएगा तो ये जो बन के आएगा वो भी तो हमारा क्या आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा, तो वही चीज बोल रहा कि अगर दो फंक्शन हमने लिया वो बाइजेक्टिव है बाइजेक्टिव का जो कंपोजिशन आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। उसके बाद कुछ कुछ एग्जाम्पल है वही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा सा सवाल है जेई मेन में ऐसे सवाल आते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू वन अपन वन माइनस एक्स, याद रहे जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है वहां पे हमें एक्सक्लूड करना, एक इंस्टेंट पे इसमें पूछा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो
तो f of f of f of x निकालने के लिए हमारे पास पहले fx में जो दिया हुआ है वो क्या है, fx defined कब होगा, जब all real हो except one, और इसका graph बोला है draw करने के लिए, बोलेगा the number of point where the function is discontinuous, continuity का सवाल बन गया, ये है function का सवाल, एक term use करेगा the number of point where function is discontinuous, तो सबसे पहले तो बोलेंगे सर one पे तो होगा ही नहीं, one पे हमारा होगा ही नहीं, फिर दूसरा दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि f of fx अगर मैं निकालूं तो f of fx जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1 minus x upon minus x, इस बार x डिनोमिनेटर में आ गया तो मैं बोलूंगा कि x तो 1 था ही नहीं, लेकिन 0 भी इस बार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि f of x डिफाइन होने के लिए f of fx का डिफाइन होना जरूरी है, और ये डिफाइन तब होगा जब x 0 ना हो, तो ये दो कंडीशन को हमें साथ में लेकर चल, फिर से हमने f of x निकाला तो वो x के बराबर आया, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सर ये तो x के बराबर आया क्या ये y plus 2x ये लाइन होगा, नहीं है, गलत हो गया तुम्हारा आंसर, दो कंडीशन साथ आया 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो ये दो जगह को ओपन होगा और तुमसे जो पूछा गया था नंबर ऑफ पॉइंट वेदर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस तो तुम आंसर लिखोगे, बहुत सारे लोगों का आंसर होगा 0, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आंसर होगा 2, क्यों, क्योंकि 0 और 2 पे सॉरी 0 और 1 पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, 1 पे तो f of fx ही डिफाइन नहीं है, जब f of fx डिफाइन नहीं है तो अगला f लगाएंगे कैसे, हर एक इंस्टेंट पे हर चीज को डिफाइन करना जरूरी होगा, हर एक चीज को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है, जैसे ये सवाल एक करना, बिल्कुल 0 आएगा, fx तो हमारे पास ये है, fy की जगह पे क्या रख देंगे, log y हो जाएगा, x by y में log x by y हो जाएगा, x into y में log x into y हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे ये cos log x cos log y तो है ही, log a by b क्या होता है, log a minus log b, ये हो जाएगा log a into b log a plus log b, अच्छा log x को अल्फा और log y को मैं बीटा मानता हूँ, तो ये बनेगा cos अल्फा into cos बीटा minus half of, ये बन जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा और ये बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा, मैंने फॉर्मूला लगाया तो cos अल्फा प्लस माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos cos प्लस sin sin, cos अल्फा प्लस बीटा जो होता है cos cos माइनस sin sin, जरा देखेंगे ध्यान से, ये sin sin वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये cos cos वाला हो गया, एक यहां से दो बार ये हाफ से कैंसिल हो गया, तो बचेगा cos अल्फा cos बीटा, इस माइनस के साथ ये वाला प्लस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल था कंपोजिशन फंक्शन का, अब दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक बार ट्राई करना, इसका आंसर क्या होगा, fx का वैल्यू दिया हुआ
और gx जो पूछा है f of fx पूछा है। आया किसी का? ये जो होता है ना बहुत अच्छे से, इसको दो तरीके से किया जाता है, या तो तुम दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर लो उसके बाद काम कर लो, या फिर देखो मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ। दूसरा प्रोसेस ये होगा कि जी ऑफ एक्स जो पूछा है एफ ऑफ एफ एक्स, तो मुझे अंदर की तरफ क्या फिट करना, एफ एक्स फिट करना। तो F जो है वो दो कैटेगरी में आंसर दे रहा है। पहला कि F of ये इनपुट जो है, जैसे ही इनपुट रखा तो वो क्या मिल रहा है, F of ये क्या हो जाएगा, 1 plus x होगा। ये बेसिकली क्या है, F of fx। तो F of fx का मतलब क्या है, F of fx तो ये क्या है, F of 1 plus x होगा। इसमें दोनों तरफ मैं F लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे F लगेगा, यहाँ पे F लगेगा, F 3 minus x। अच्छा, 0 से लेके x2 के बीच में, 2 से लेके x3 के बीच में। अब हमें f of 1 plus x और f of 3 minus x की बात की जाएगी लिखने के लिए, तो f of 1 plus x को लिखते हैं। चलो, तो f of 1 plus x का, तो f की क्या नेचर है कि वो f के इनपुट में अगर तुमने x रखा तो 1 plus input और 3 minus input दे रहा, तो 1 plus input और 3 minus input होगा। इनपुट क्या है, 1 plus x, इनपुट क्या है, 1 plus x, तो 1 plus input और 3 minus input। अच्छा, साथ में ये कंडीशन तो है ही दोनों का, लेकिन एक और कंडीशन भी चलता जाएगा। वो कंडीशन ये है कि जीरो से लेके इनपुट ये वैल्यू किसके बराबर दे रहा, ये जब इनपुट जो है जीरो और टू के बीच में है, इनपुट क्या है इस बार, वन प्लस एक्स, और इस बार क्या है, टू से लेके थ्री के बीच में जब इनपुट है तो होगा। तो ये दोनों साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा और इनमें जो कॉमन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। जैसे ये जरा देखो क्या होगा, ये टू प्लस एक्स और ये टू माइनस एक्स बचा। अच्छा, ये जरा देखना, वन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस वन से वन के बीच में आएगा, माइनस वन तो इसमें है नहीं, ये यूनिवर्सल है,
और इसमें से कॉमन लेके ना ये वाला शॉर्ट किया जाता है, तो माइनस वन तो है नहीं, जीरो से लेके टू, और ये माइनस वाला तो हम लोग लेंगे नहीं, तो जीरो से लेके वन हो गया। अच्छा ये क्या होगा, वन घटाने पे ये वन से लेके टू हुआ और ये जीरो से लेके टू हुआ। अच्छा एफ ऑफ वन प्लस एक्स जो है वो इस हिसाब से चल रहा है, वो हमारा इस हिसाब से चल रहा है, देखना जरा, जीरो से टू तो था ही, तो ये तो चलेगा ही हमारे पास जीरो से टू, और साथ में ये दो जो है एक्चुअल फंक्शन के डेफिनेशन से चल रहा, तो हमें फंक्शन दो मिला, एफ ऑफ वन प्लस एक्स जो है वो मिला टू प्लस एक्स, इन दोनों में कॉमन जो आएगा वो क्या होगा जीरो से वन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा वन से लेकर टू, तो एफ ऑफ वन प्लस एक्स मिल गया, टू प्लस एक्स एंड टू माइनस एक्स अंडर दीज टू वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये था हमारा एफ ऑफ वन प्लस एक्स। अभी काम पूरा हुआ नहीं है, एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स निकालना बाकी है, तो एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स क्या बोलता है कि जो इनपुट तुम प्रोवाइड करोगे वन प्लस इनपुट और थ्री माइनस इनपुट, थ्री माइनस इनपुट। अच्छा एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स का एक्स का इंटरवल क्या है, टू से लेके थ्री तक, तो यहाँ पे टू से लेके थ्री तक तो है ही, और जो वन प्लस इनपुट है वो क्या है, जब इनपुट जीरो से टू के बीच में है, और थ्री माइनस इनपुट कब है, जब टू से थ्री के बीच में है। इसको मैंने सॉल्व किया तो टू से थ्री और टू से थ्री आ रहा है, और दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू फाइव आ रहा है, जीरो से वन और टू से थ्री के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक्स इक्वल्स टू फाइव, वन से थ्री और टू से थ्री में क्या आएगा टू से थ्री, तो बस ये फोर माइनस एक्स कंसिडर होगा, फोर माइनस एक्स कंसिडर होगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, ये दो ऊपर आया था और ये नीचे की तरफ आया, तो दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स। इसी को ग्राफ से भी निकाला जाता है, लेकिन ग्राफ वाला भी बेहतर हो, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाओ फिर तोड़ो निकालो, तो उससे बेहतर है ये वाला कर लो। जेई मेन में हार्डली ऐसा सवाल आएगा, आ जाता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे सवाल फंक्शन दिए हो रहेंगे जिससे तुम फटाफट निकाल सकते हो कॉमन ले लेके। तो इसमें फिर से देखेंगे किया क्या मैंने, कि जब हम लोगों के पास f ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो मैंने दोनों में f और f फिट कर दिया, तो f ऑफ वन प्लस एक्स बना पहला, और दूसरा बना f ऑफ थ्री माइनस एक्स, इनपुट तो हमारे पास ये रहा। अब पहला फंक्शन उठाएंगे तो इनपुट मेरा क्या है फिक्स, जीरो से लेकर टू तक, तो जीरो से लेकर टू तक चलते रहा, और अंडर द कैटेगरी ऑफ f, f का एक्सपेंशन इसके बेसिक डेफिनेशन पे आएगा, तो दो तरीके से एक्सपेंशन किया, और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन की हेल्प से हमने पहला फंक्शन लिख दिया। फिर इसी तरह से f3 माइनस x लिखा, उसमें एक तो आया लेकिन ये क्या हो गया, कट हो गया। ये कट क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसके केस में हमारे पास 0 से 1 और 2 से 3 में कुछ कॉमन नहीं आया। फिर आते हैं ऑड इवन फंक्शन के बारे में, तो ऑड इवन फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x की जगह पे माइनस x रखो, दोनों में फंक्शन अगर तुम्हारा बराबर हो गया तो फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन, माइनस x रखा और वो फंक्शन का निगेटिव पार्ट आ गया तो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। दैट्स इट, जैसे x हो गया, x पे ऑड पावर साइन, साइन पे पावर ऑड, टैन पे पावर ऑड, ये सारे के सारे ऑड फंक्शन हुए, x स्क्वायर cos x mod x, साइन पे इवन, किसी भी पावर इवन रख देंगे वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन वाला जैसे मैं ये देखूंगा तो ये क्या है, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और ये सारे के सारे ऑड फंक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि जरा देखो, वन रखो, वन रखोगे तो प्लस वन मिलेगा, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन मिलेगा, जस्ट निगेटिव मिल रहा। इसमें देखो टू रखा तो एट मिला, माइनस टू रखा तो माइनस एट मिला, तो जस्ट निगेटिव है, इसलिए क्या हुआ, ऑड फंक्शन। अच्छा पाई बाय फोर रखा तो वन बाय रूट टू मिला, माइनस पाई फोर रखा माइनस पाई माइनस वन बाय रूट टू मिला, तो ये क्या हो गया, ये तीन जो है एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। इसमें जरा देखो, वन रखो या माइनस वन रखो दोनों पे आंसर सेम, माइनस वन रखो या वन रखो दोनों पे आंसर सेम, माइनस पाई बाय फोर रखो या पाई बाय फोर रखो दोनों पे आंसर सेम, तो ये रहा इवन फंक्शन का एग्जाम्पल, ये रहा ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल। तो इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन को अगर मैं देखूंगा ध्यान से, तो वाई से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम ग्राफ है, इस तरफ और इस तरफ सेम ग्राफ, इस तरफ और इस तरफ सेम ग्राफ, तो इवन फंक्शन क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, हेंस मेनी वन फंक्शन जो होंगे ये। क्यों, पहले भी मैंने देखा कि इवन फंक्शन क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो दो जगह पर कट करेंगे, एक एक्स के प्लस वैल्यू के लिए, एक माइनस वैल्यू के लिए, तो ये क्या होंगे, मेनी वन फंक्शन। अच्छा इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं हुए। अच्छा ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब समझते हैं, जैसे मान लिया जाए तुम्हें बोलेगा ना कि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके ऊपर क्वाड्रेंट सा बनाना। इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट होना चाहिए, मतलब इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में और निगेटिव डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे हो। अगर ये इस तरफ झुका हुआ तो नीचे की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब उससे आगे की तरफ जो वैल्यू है वो उससे नीचे की तरफ भी वैल्यू होना चाहिए। तो जरा देखना, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इससे आगे और इससे नीचे, इससे आगे और इससे नीचे, इससे आगे और इससे नीचे, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हुआ,
और जिनके अबाउट सिमेट्रिक हुआ। अच्छा, जैसे मैट्रिक्स होता वैसे ही हमारे पास ये इवन फंक्शन के लिए भी होता कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसको इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता। तो fx को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में fx plus f minus x by 2, fx minus f minus x by 2, क्यों? क्योंकि f by 2 plus और minus वाला cancel हो जाएगा, fx by 2 मिलकर के fx मिल जाएगा। तो ये रिस्टोर हुआ, पहला वाला ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा, दूसरा वाला ऑड हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास इवन फंक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन अगर नॉन जीरो तो वो इवन फंक्शन होगा। मान लिया जाए fx का वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, तो f माइनस एक्स भी तो 2 होगा, दिस इज इवन फंक्शन। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, मान लिया जाए cos x है, cos x एक इवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो लूंगा मैं माइनस साइन, ये होता ऑड फंक्शन। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव मैं लूंगा तो माइनस तो है ही cos, ये क्या हुआ, ये इवन फंक्शन। तो ऑड का डेरिवेटिव इवन और इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है, ये याद रखेंगे। एक डेरिवेटिव किया तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे को किया तो पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं कि दो फंक्शन है fx gx, एडिशन सबट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला सीन देखते हैं। तो ऑड को कंसीडर करना माइनस से और इवन को कंसीडर करना प्लस से। तो अगर मैंने मान लिया जाए दोनों के दोनों ऑड है तो माइनस और माइनस मिलेगा तो ओवरऑल माइनस ही मिल जाएगा, तो ऑड। अच्छा, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन से। डिवीजन करेंगे तो माइनस बाय माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से इवन प्लस मिल जाएगा। ऑड हुआ और इवन हुआ तो एक माइनस को अगर मैं प्लस के साथ ऐड करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ना तो इवन ना तो ऑड, प्लस माइनस से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस को प्लस से तो ये मिलेगा माइनस, जो कि ऑड है। डिवाइड करूंगा माइनस को प्लस से तो ये ऑड मिलेगा, क्योंकि माइनस मिल रहा। उल्टा भी वही सीन है, अब दोनों इवन होंगे तो कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हर केस में इवन मिलेगा। उसके बाद आते हैं कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन के लिए यहाँ पे चेक किया हुआ है, तुम इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, तुम खुद से भी समझ सकते हो लॉजिकली कि इवन का इवन रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक समझा देता हूँ, इसका समझा देता हूँ ये वाला डेफिनेशन कि मान लिया जाए तुम्हारे पास एफ क्या है, ऑड है, जी क्या है, इवन है। एफ क्या है, ऑड है, और जी क्या है, इवन। इससे बेहतर है मैं ये समझा देता हूँ, ये तो जी ऑफ जी है। F क्या है, ऑड है, और G क्या है, इवन है। तो G जो है उसके अंदर में ऑड है और ये इवन है। इवन मतलब क्या है कि ये अंदर में कुछ भी रहे ये पॉजिटिव बना देगा, तो ये तो इवन बना देगा, ये इवन बना देगा। तो इसी तरह से सारी के सारी चीजों को लिखा गया है उसी बेसिस पे कि बाहर में इवन है या अंदर की तरफ इवन है उसी कैटेगरी में। तो इसको जरा एक बार प्रूफ कर पता करना कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। fx = x sin x divisible by x by pi का बॉक्स है और डिविजिबल और प्लस में क्या है, हाफ है।
सर नेगेटिव आ रहा है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव आएगा, तो जैसे मैं माइनस एक्स रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स और डिविजल बाई बॉक्स ऑफ एक्स बाई पाई का नेगेटिव पार्ट प्लस हाफ। अच्छा अब आते हैं कि बॉक्स ऑफ माइनस अल्फा, बॉक्स ऑफ माइनस टू जो होता है वो तो माइनस टू के बराबर है, तो अगर ये अंदर की तरफ इंटीजर है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ टू होगा, तब तो तुम्हारे पास माइनस ऑफ अल्फा के बराबर होगा इंटीजर है तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये इंटीजर नहीं है, जैसे मान लिया जाए अल्फा का वैल्यू मैं 2.3 लो, तो माइनस ऑफ 2.3 का जो बॉक्स होता था वो पीछे की तरफ इंटीजर देता है, माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में होगा और प्रीवियस इंटीजर माइनस थ्री आंसर होगा, तो ये मिलेगा हमारे पास क्या, ये जरा देखना अल्फा का बॉक्स कितना होगा 2, इसका नेगेटिव पार्ट माइनस 1 और इसमें माइनस करना होगा, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसका प्रॉपर्टी, उसको मैंने अप्लाई किया। तो पहला कंडीशन लेता हूं कि अगर ये इंटीजर हो, x बाई पाई क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, x बाई पाई इंटीजर हो जाए तो x का वैल्यू n पाई हो जाएगा, n पाई का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ n पाई, क्या होता है साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 2 पाई वगैरह सब के सब जीरो होते, तो फंक्शन ही जीरो हो गया, फंक्शन ही हमारा क्या हो गया जीरो हो गया। अगर फंक्शन जीरो हो गया तो जीरो वाले फंक्शन जो हो ना, एक ऐसा फंक्शन जो पूछा जाएगा कि एक ऐसा फंक्शन बताइए जो ऑड भी है इवन भी है, बोलो सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन जो कांस्टेंट का वैल्यू जीरो हो जाए, दिस इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो जरा देखना इस केस में तो हम लोग कहीं नहीं पाएंगे कि ऑड है या इवन है, एन का वैल्यू एक्स का वैल्यू एन पाई हो जाए तो तुम ऑड भी बोल सकते इवन भी बोल सकते। लेकिन दूसरा कंडीशन मैंने लिया, जब एक्स का वैल्यू एन पाई ना हो, जब n पाई ना हो तो ये इंटीजर अंदर में नहीं होगा, तो ये क्या ब्रेक होगा, माइनस ऑफ x बाई पाई का डब्बा और माइनस वन। अब नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो x साइन x ऊपर की तरफ आ चुका है पॉजिटिव में, और नीचे की तरफ इसमें क्या लिखेंगे, x बाई पाई का और माइनस हाफ और प्लस हाफ तो है, माइनस वन प्लस हाफ, तो माइनस वन प्लस हाफ मिलकर के मिलेगा माइनस हाफ, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर, x इक्वल टू n पाई पे तो ये क्या है जीरो के बराबर है, तो ये क्या हुआ ओवरऑल ऑड फंक्शन हुआ, ये ओवरऑल ऑड फंक्शन हुआ। तो इसी तरह से कुछ कुछ सवाल है ऑड इवन के। अब आते हैं दूसरा पीरियोडिक फंक्शन, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऑड इवन का, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि वो एक फंक्शन एफ एक्स है, उसको हम लोग पीरियोडिक तभी बोलेंगे जब एक फंक्शन एक फिक्स वैल्यू जो पॉजिटिव है वो क्या होना चाहिए, इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करता है इस तरह से कि अगर मैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू टी रखूं तो वो फिर से x के बराबर आ जाए फंक्शन के इनसाइड में। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैं देखता हूँ साइन x, तो हमें पता है ना कि x प्लस टू पाई रखेंगे तो ये क्या मिलेगा साइन ऑफ टू पाई प्लस x, x प्लस टू पाई क्या मिलेगा, ये फिर से तुम्हारे पास साइन x मिल जाएगा। तो इसी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ x प्लस फोर पाई भी हमारा क्या होता है साइन x के बराबर होता है, तो t को डिसाइड कौन सा करेंगे कि पॉजिटिव तो 4 पाई भी है, पॉजिटिव तो 2 पाई भी है, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t सेड टू बी द फंडामेंटल पीरियड ऑफ, जिसको हम लोगों ने क्या बोला लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो क्या होगा, एक फंक्शन वैल्यू क्या हो रिपीट करे अपने आप को आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो t को हम लोग क्या बोलेंगे वन ऑफ द पीरियड ऑफ fx, लेकिन अगर t क्या हो जाए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो fx का वैल्यू अगर fx plus t के बराबर है तो 2t 3t 4t सब के सब बराबर होंगे, जैसे 2 पाई साइन का पीरियड है तो 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या होंगे उसके क्या होंगे वन ऑफ द पीरियड होंगे, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एस, तो हमेशा वो पूछता है फंडामेंटल पीरियड के बारे में। तो अगर साइन पे पावर एन, कॉस पे पावर एन, सेक पे पावर एन और कॉसेक पे पावर एन है तो ये पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड होगा पाई अगर एन इवन हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड हो गया एन तो इसका पीरियड होगा 2 पाई, लेकिन टैन कॉट पे कुछ भी पावर रखो पीरियड होगा पाई। अच्छा यहाँ पे पाई आने की क्या क्या मेन रीजन है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अगर मैंने लिया तो साइन पाई प्लस एक्स का स्क्वायर भी देखेंगे तो क्या होगा साइन पाई प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा, इस माइनस को ये इवन पावर वाला देख लेगा, वो बना देगा सेम सा एफ एक्स के बराबर, तो इसलिए क्या होता है इवन पावर। हाँ बोलो कुछ कोई बोल रहे हो। अच्छा अगर हमारे पास इवन पावर हुआ तो वो माइनस को प्लस बना देगा, इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाता है रिड्यूस कर जाता। तो अगर इवन पावर है तो उस केस में पाई पीरियड आएगा, और ऑड है तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई पीरियड आएगा, ये साइन कॉस और सेक और कॉसेक के केस में, लेकिन टैन कॉट में कुछ भी पावर रहे आंसर पाई ही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो भी आंसर पाई आएगा। अच्छा ये बात जानने की जरूरी ही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो आता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से आता है। ये मॉडुलस फंक्शन जब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में तो वहां पे बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये भी वही काम है कि ये हमेशा क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव,
इसका भी काम भाई है पॉजिटिव बनाना। तो ये काइंड ऑफ इवन फंक्शन की तरह ट्रीट करता है कि जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव बना देगा, जब पॉजिटिव बना देगा तो आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। अच्छा अब आते हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शन में कुछ एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन हो जाए, एक फंक्शन इसका पीरियड क्या है, कैपिटल टी है, उसमें एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन, साइन एक्स का पीरियड हमारे पास पता है 2 पाई होता है, इसमें अगर मैं 2 sin x से कर दूंगा तो भी 2 पाई आएगा, मैंने किसी से डिवीजन किया तो भी 2 पाई आएगा, कुछ इंटरनली ऐड कर दो, मान लीजिए साइन ऑफ x प्लस 1 करूंगा तो भी इसका पीरियड क्या आएगा, 2 पाई आएगा, कुछ मैंने एक्सटर्नली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो भी सेम पीरियड आएगा t, लेकिन चेंज तब करेगा जैसे मान लिया जाए तुम्हारे पास साइन ऑफ, मैंने ऐसा कर दिया x बाई 2, अब इस बार क्या किया, x के साथ छेड़छाड़ किया है, x में कुछ डिवाइड किया, x में कुछ मल्टीप्लाई किया, तो जब x के साथ को जो कोएफिशिएंट होगा f ऑफ ax प्लस हो या माइनस हो, b फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ a का एक असर पड़ेगा कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से t को डिवीजन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो एडजस्टेबल उसी हिसाब से होगा, जैसे मान लिया जाए साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x तो इसका जो पीरियड होगा 2π डिविजिबल बाय 2π, अगर मैं इसका लॉजिकली देखूं तो साइन 2x x का वैल्यू मैं रखते जाऊंगा या दुगने रफ्तार से वैल्यू को अचीव करेगा, तो पहले जो 2π पे अचीव कर रहा था इस बार पाई पे ही अचीव कर लेगा, इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया, ग्राफ जो इसका आता है वो कंप्रेस होकर के आता है। अच्छा मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स जो है वो तुम्हारे पास पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड इसका क्या है, टी1 और टी2 है, अब एक ऐसा फंक्शन है जो कि उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए भी सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से आया है, तो एच एक्स का जो पीरियड होगा वो पीरियड टी किसके बराबर होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2। ऑब्वियस सी बात है कि टी1 और टी2 क्या हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, अच्छा एलसीएम रूल क्या होता है, ये फेल कर सकता है, ये कब फेल करेगा, इन केस ऑफ कन्वर्टिबल फंक्शन, इवन पावर, मॉडुलस वगैरह वगैरह, कुछ कुछ केसेस में कन्वर्टिबल फंक्शन, जैसे मान लिया जाए एक ही क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों इन्वॉल्व है, तो हमें पता है ना कि साइन और कॉस एक्स दूसरे में कन्वर्टिबल है, तो एक बार चेक कर लेंगे आए हुए पीरियड से लेस वाले में कि क्या ये एडजस्टेबल है या नहीं है, तो एलसीएम रूल क्या हो सकता है, फेल कर सकता है, लेकिन याद रखेंगे जहां पे फेल करता है वहीं से ज्यादा सवाल आते हैं, तो उस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना। अब जो एलसीएम आएगा टी1 टी2 का वो कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, वो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर टी1 बाई टी2 मैंने किया है, दो टी1 और टी2 दो वैल्यू है, इन दोनों को रेशियो मैंने जो किया वो रैशनल अगर आ गया तो एग्जिस्ट करेगा, अगर रैशनल नहीं आया तो वो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक ही नहीं है। अगर t1 by t2 मान लिया जाए एक पीरियड आया 2π और एक पीरियड आया 1, डिवीजन किया तो आंसर आया 2π, 2π जो है हमारे पास t1 by t2 करने से ये होता है इर्रेशनल। अब जो इर्रेशनल है तो इसका पीरियड होगा कुछ भी नहीं क्योंकि ये एलसीएम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब आते हैं कि मान लिया जाए एक आया 2π/3 और एक आया 4π/7, अब इन दोनों का एलसीएम कैसे लूंगा, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो आता है वो क्या आता है, LCM of numerator divisible by HCF of denominator, ये 9th class का LCM HCF 8-9 में कभी ये सिखाते हैं, ये वही चीज है जो ऊपर में लिखा हुआ irrational और rational के साथ maybe possible वगैरह वगैरह, ultimately ये है। constant function क्या होता है, constant function periodic होता है, जैसे मान लीजिए y equals to 1, तो y equals to 1 ये रहा हमारे पास graph, मैंने छोटा सा interval लिया x equals to 1 से x equals to 2 में, तो ये जो ग्राफ है वही ये ग्राफ है, तुम बोलोगे सर क्या इसका पीरियड 1 होगा, मैं बोलूंगा कि नहीं हमें चाहिए क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल, तो मैं हाफ लेता हूं, तो ये जो ग्राफ है वो यही ग्राफ है, मैं बोलूंगा और छोटा लो 1/4, और छोटा लो 1/8, 1/16, कितना छोटा ले वी डोंट नो, तो पीरियोडिक तो है लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टेंट फंक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हो गया कि कॉन्स्टेंट फंक्शन जो होंगे वो पीरियोडिक होंगे लेकिन उसके कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं cos x, cos x का तुमने देखा कि f x plus t is equals to cos x होगा, cos x plus t is equals to cos x, तो इन दोनों को cos theta is equals to cos alpha कब आता है, जब theta is equals to 2n pi plus minus alpha, ये जनरल वैल्यू से मैंने लिख दिया, यहां से दो पॉसिबिलिटी है, t का वैल्यू आया 2n pi minus 2x और दूसरा आया 2n pi, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, 2n pi क्यों हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x से यहां से हो गया। अब हमें लीस्ट पॉजिटिव के लिए n तो हमारा क्या होता है इंटीजर, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा n का, 1 होगा जो पॉजिटिव होगा, तो 2π आया, यहां से हमारा प्रूव होता है cos x का वैल्यू 2π होता है, बाकी वो सब तो बहाने हैं कि हां 2π के बाद ये अपना नेचर रिपीट करता है, ये हुआ एक्चुअल प्रूफ कि कैसे cos x का पीरियड 2π होगा, प्रूव करोगे, तो दिस इज द प्रोसेस। दूसरा आते cos x का एब्सोल्यूट वैल्यू, यहां से मैंने स्क्वायर किया वगैरह वगैरह, तो आंसर जो आया t का वैल्यू पाई के बराबर आया। तीसरा आते cos root x, cos root x के लिए अगर मैंने fx + t देखा तो cos root of x + t दोनों को बराबर किया, cos theta = cos alpha,
तो जो टी का वैल्यू आ रहा है वो कभी भी एक्स से इंडिपेंडेंट नहीं आया। टी का वैल्यू क्या है? डिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स क्या नॉन पीरियोडिक है, एफ एक्स क्या नॉन पीरियोडिक है। जब भी इंडिपेंडेंट नहीं आया हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। तो फोर्थ में जैसे देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का वैल्यू अगर मैं मानूंगा एफ एक्स प्लस टी तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स होता है। इंस्टेड ऑफ एक्स अगर मैं एक्स प्लस टी रखूंगा तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस टी होगा। अच्छा ये चीज जो है एक्स प्लस टी, तो ये टी तो हमारा क्या है, टी को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो टी का वैल्यू क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस टी माइनस बॉक्स एक्स। ये भी इंटीजर होता है, बॉक्स का जो वैल्यू होता है वो इंटीजर होता है। ये इंटीजर दो इंटीजर के बीच में लीस्ट ऑफ द लीस्ट डिफरेंस हमें चाहिए। तो लीस्ट ऑफ द लीस्ट डिफरेंस क्या होता है, वन होता, तो इसलिए पीरियड क्या आया, वन के बराबर है। दैट्स इट, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं जैसे इसका सवाल करते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो टू पाई होता है और इसका अभी हम लोग देखा वन के बराबर। अब इन दोनों के एडिशन से तो एलसीएम रूल लगाने के लिए हम लोग देखेंगे टू पाई और वन क्या है, रैशनल नहीं है। टू पाई और वन का जब मैं डिविजन कर रहा हूँ तो रैशनल नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, इसी की मैं बात कर रहा था। दूसरा टेन थ्री एक्स और साइन एक्स बाय थ्री, तो टेन थ्री एक्स, टेन का होता पीरियड कितना पाई, लेकिन थ्री है तो डिविजन में जाएगा। साइन LCM रूल लगाया पहले वाले में, मैंने LCM रूल लगाया। तो LCM रूल कब, LCM कब एग्जिस्ट करता था, जब दोनों का पीरियड का जो रेशियो आएगा वो रैशनल होना था। जरा देखना है ना, यहाँ पे क्या आ रहा, इरेशनल हो रहा है। इरेशनल के केस में तो पॉसिबल ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि ये नॉन पीरियडिक होगा। यहाँ पे जरा देखो क्या हुआ, पाई बाय थ्री सिक्स पाई, अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूंगा तो पाई बाय थ्री डिविजल बाय सिक्स पाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये एक रैशनल के बराबर आ रहा, तो ये इसका पीरियड एग्जिस्ट करेगा, मेजोरिटी केस में एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो न्यूमरेटर कितना वन है इसका डिनोमिनेटर, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो वन और सिक्स का एलसीएम क्या आया, सिक्स पाई, पाई तो है ही साइड में, और थ्री और वन का एचसीएफ क्या आएगा, वन के बराबर। तो एलसीएम ऑफ पाई एंड सिक्स पाई, सिक्स पाई एंड एचसीएफ ऑफ वन एंड थ्री इज वन, इसलिए इसका आंसर जो है वो सिक्स पाई के बराबर आया। अच्छा ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, तो आंसर तुम्हारा करेक्ट है। लेकिन अगले केस में तुमने ये बोला कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का बताओ, तो मैं बोलूंगा कि इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम पाई आ रहा है, तो आंसर आएगा पाई। नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि जब फंक्शन कन्वर्टेबल तो हमें एक बार चेक कर लेना। अच्छा ये जरा देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कन्वर्टेबल होकर के वन आ जाता है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, कोई भी फंडामेंटल पीरियड ही नहीं होता, तो हमारा मामला तो यही पे गड़बड़ हो गया, इसलिए इसका क्या हो गया, कोई भी पीरियड हम लोगों के पास आया नहीं। नेक्स्ट आते हैं मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, इन दोनों का पीरियड एलसीएम जो आ रहा है वो पाई आ रहा है। चेक कर लेते हैं अगेन, चेक करने का जो लीस्ट वैल्यू होगा कन्वर्टेबल किस पॉइंट होता है, पाई बाय टू पे, तो मैं पाई बाय टू पे चेक करता हूँ। तो जरा देखना, एक्स प्लस टी कॉस एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर, जब पाई बाय टू पे मैंने चेक किया तो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो माइनस को देख लेगा, तो आया वही एफ एक्स के बराबर, तो उससे भी लीस्ट जो पाई आ रहा था हमारा एलसीएम, उससे भी लीस्ट आंसर आ गया, तो पाई बाय टू इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें चेक करके एलसीएम रूल को हटाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कि कुछ फंक्शनल इक्वेशन होते हैं, फंक्शनल इक्वेशन मेनली हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं कि मान लिया जाए ये चीज जो चारों के चारों रिजल्ट है ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों के पास फिर से आएगा कि ये प्रूफ कीजिए। यहाँ पे हम लोग इसका रिजल्ट यूज करके सॉल्व करते हैं सवाल, कि अगर मान लिया जाए fx into y is equals to fx plus fy है, तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि fx का वैल्यू क्या होगा, k टाइम्स ऑफ lnx होगा, या तो fx जीरो होगा। अगर into fx into y fx into fy के बराबर है, तो fx का वैल्यू क्या होगा, x to the power n होगा, और n का वैल्यू कोई भी रियल होगा। अब बोलो सर k कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, तो ये एक कंडीशन दिया हो रहता f1 का वैल्यू 2, f2 का वैल्यू 5, ऐसा कोई कंडीशन जो दिया हो रहता ना, तो वो किस लिए दिया रहता, इस k या n को निकालने के लिए दिया रहता। अच्छा एफ एक्स प्लस वाई प्लस टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए टू दी पावर के एक्स होगा। ए टू दी पावर के एक्स मतलब ए टू दी पावर के इंटू एक्स, ये एक अलग वेरिएबल है, तो मैं पी टू दी पावर एक्स भी मान सकता हूँ। तो या तो ये मानो या तो ये मानो, बात बराबर ही है। पी कैसे निकलेगा, तो पी उसी हिसाब से निकलेगा लास्ट में, कि अगर एफ एक्स प्लस वाई प्लस टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, लीनियर होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स होगा, के क्या है, कॉन्स्टेंट है। जैसे फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका हुआ वो क्या हुआ, कि हमें किसी भी तरह से
फर्स्ट एग्जांपल जो किया था वो भी फंक्शनल इक्वेशन से था। किसी भी तरह से हमें क्या करना है कि अननोन को एलिमिनेट करके एफएक्स वगैरह निकालना है। जैसे तुमसे पूछा है कि एक फंक्शनल रिलेशन इस तरह से दिया और बोला है कि फंक्शन एफएक्स का वैल्यू बताइए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं कि एफएक्स का जो वैल्यू है ये इस केस में आया, मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ इस वाले पूरे पूरे क्वांटिटी से, क्योंकि एक्स अगली बार ये बन जाएगा 2x plus 29 by x minus 2, जिससे ये कैंसिलेशन होने के लिए अवेलेबल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर के क्या बना x के बराबर आया, ये बना x के बराबर। और ये चीज जो है हम लोगों के पास जो भी ये इधर उधर किया और एफ एक्स प्लस 29 का वैल्यू मैंने यहाँ से उठाया और इक्वेशन वन में फिट कर दिया तो एफ एक्स का वैल्यू आया। फिर से देखेंगे किया क्या, हम लोगों के पास ये बड़ा सा एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ था, हमें एफ एक्स की दरकार थी, हमें एफ एक्स की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया हम लोगों ने इसके जगह पे एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दिया 2x plus 29 upon x minus 2। फंक्शनल रिलेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि तुम अपने हिसाब से वैल्यू कुछ भी इधर उधर रख सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने क्या रखा x की जगह पे ये पूरा रखा, जहां जहां x है वहां वहां चेंज होगा। तो पहला वाला क्या आ गया 2x plus 29 upon x minus 2, इसका 2 टाइम्स नीचे मैंने डिवीजन में कर दिया, ये आया इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2। और इसमें जब मैंने x की जगह ये रखा है और x की जगह पे ये रखा है तो पूरा का पूरा मामला चेंज होने के बाद ये जो बड़ा सा है इसको सॉल्व करने के बाद x मिला और ये तो है ही, इसको लेफ्ट और राइट करने के बाद fx का वैल्यू ये बड़ा सा मिला। अच्छा इसको किया क्या मैंने, यहां से उठाया और इक्वेशन 1 में मैंने फिट कर दिया, दैट्स इट। अब जैसे यहां पे देखो कुछ कुछ करना होगा, f1 का वैल्यू 1 दिया हुआ n ग्रेटर इक्वल 1 और fn plus 1 is equal to 2fn plus 1 दिया हुआ, तो पूछा fn का वैल्यू क्या होगा, तो मैं चेक करता हूँ f1 के हेल्प से f2 निकालता हूँ, f2 का वैल्यू क्या आएगा 2f1 plus 1 जो कि 3 के बराबर है, f3 का वैल्यू निकाला तो ये मिला 7 के बराबर, f4 का वैल्यू निकाला तो ये 15 के बराबर। तो एक कॉमन लॉजिक बन रहा, 3 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर माइनस 2, 7 का मतलब 2 क्यूब माइनस 1, सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 1 है 3 का, 7 मतलब 2 क्यूब माइनस 1, 15 मतलब 2 पे पावर 4 माइनस 1। तो ये जो भी मैं पावर वैल्यू रख रहा हूँ वो पावर में जा रहा है और 2 पे पावर में और माइनस 1, तो एफ एन जो हो जाएगा 2 टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने का तरीका। जैसे ये देखो ये कौन सा था, ये लास्ट वाला था, ये हमारा लास्ट वाला था कि f of x plus y is equal to f x plus f y हो, तो फंक्शन क्या निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे k times of x, f1 2 के बराबर दिया हुआ है, f x क्या होगा k times of x, 2 के बराबर रखेंगे f1 तो k का वैल्यू 2 मिल गया, f x equals to 2x, f 100 निकालो या कुछ भी निकालो तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो इसी तरह से कुछ कुछ फंक्शनल रिलेशन है, ये ऊपर की तरफ मैंने करवा रखा है, ऊपर की तरफ सेम सा सवाल है जिसको यहाँ पे फिर से देखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ सवाल है फंक्शनल रिलेशन से करना मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले दिन, मैं ये पढ़ा दूंगा लिमिट, लिमिट स्टार्ट करेंगे, लिमिट और कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी अगले लेक्चर में होगा स्टार्ट।